Good morning everyone, warm welcome to this channel. Myself Dr. SK Singh, I have done my MBBS from Lala Azad Medical College. So सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं. इंट्रोडक्शन इज वॉट, कि क्या होता है ब्रीदिंग, क्या होता है रेस्पिरेशन. ये बहुत बड़ा टर्म है. तो ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ना. ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है फ्रॉम एटमोसफियर विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल्स. जैसे हमारे जो सेल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनमें अगर मेटाबॉलिज्म होता है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, राइट. और उस सेल को और काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग. और इन पूरे प्रोसेस को मिला के हम रेस्पिरेशन कहेंगे. ये जो भी नोट्स आप देख पा रहे हैं, ये हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद आप सबके लिए लिखे हैं, और ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा. तो टेलीग्राम से जरूर आप जुड़ जाइएगा. अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, अपने समय को फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लगाना ज्यादा चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने पहले से ही मेहनत कर लिया है. तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, डॉक्टर एस के सिंह एमएमसी, राइट. डॉक्टर एस के सिंह एमएमसी ये टेलीग्राम है, और आप टेलीग्राम ऊपर भी देख रहे हैं, तो उससे जरूर जुड़ जाइएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा. तो रेस्पिरेशन जो होता है, आप देख पा रहे हैं, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, है ना. सांस लेने की प्रक्रिया, छोड़ने की प्रक्रिया होती है. और बेसिकली हम एटमॉस्फेयर से एयर का ड्रॉन करते हैं, और फिर हम बाहर एक्सहेल आउट कर देते हैं. जो एटमॉस्फेयर से एयर को जब हम खींचेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे गैसेस आती हैं, बट हमारे एल्वोलाई के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, और उस मैकेनिज्म की वजह से एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है और बाकी सारे गैसेस बाहर चले जाते हैं. बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि क्या होता है ब्रीदिंग और क्या होता है रेस्पिरेशन. आज ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा आपका. ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग इज सिंपली इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर. फाउल एयर यहां पे कहने का मतलब ये है कि दैट इज द एयर विच इज दैट इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. जबकि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. जैसे आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप कुछ मान लीजिए कि अगर आपने कुछ ऑयली चीज खा लिया, फैटी चीज खा लिया, तो आपका आपने देखा होगा कि आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, आप बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट करते हैं, एंड ड्यू टू दिस दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. उस फैटी मॉलिक्यूल्स को, ऑयली सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. हालांकि दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, हम पढ़ चुके हैं पहले कि उस मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, बट यस, देयर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की भी जरूरत यहां पे पड़ेगी. अच्छा, जो ब्रीदिंग होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस. आपने नॉर्मली सांस लिया, सांस छोड़ा, बट द रेस्पिरेशन इज व्हाट, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस. देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स. ब्रीदिंग इज अ एनर्जी रिलीज रेदर देन यूज, इसमें एनर्जी रिलीज होता है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP यहां पे इट अकर आउटसाइड द सेल्स एंड दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर. ए वाला इनसाइड द सेल्स है, दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर प्रोसेस. एंजाइम इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. देयर इज अ लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, क्योंकि अगर आपने कुछ ऑयली सब्सटेंस खाया है तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस है कि उसे एंजाइम की जरूरत है. यहां पे कुछ एक्स्ट्रा एज दिए गए हैं जो आपको जानने ही चाहिए. आपने सुना होगा, या इवन जितने भी ऑर्गेनिज्म है या जितने भी ह्यूमन है, दे आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट दैट्स लिसनिंग द साउंड फ्रॉम द बर्ड्स. हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी बर्ड्स का साउंड सुनते हैं तो एक पीस सा अनुभव होता है. कभी आपने रियलाइज किया है कि आखिर ये बर्ड्स तरह तरह के साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर पाते हैं?
इतनी सुनेर सुरहेल इतना बेहतर साउंड को कैसे ये प्रोड्यूस कर पाते हैं? तो इन बर्ड्स में एक सिरिंग्स होता है, सिरिंग्स है ना, SYRNX, सिरिंग्स विच इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ बर्ड्स विच इज फाउंड एट द बेस ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के जस्ट नीचे ये सिरिंग्स होता है, सिरिंग्स, जिससे वो तरह तरह के आवाज निकालते हैं और इस आवाज को हम सुन के बहुत खुश होते हैं, हमारा दिमाग बहुत खुश हो जाता है। बट हमारे इंसान इनसे कम नहीं है बेटा, बिना सिरिंग के भी आवाज निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिना सिरिंग के मेढक की आवाज निकाल देंगे, बिना सिरिंग्स के गाय, कबूतर, घोड़ा, बंदर, बिल्ली सब की आवाज निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियस है द ह्यूमन इज अ ग्रेट क्रिएशन, उनको स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है। बर्थ पे स्पेशल ऑर्गन की जरूरत पड़ सकती है, बट हमारे लिए नहीं, वो निकाल देंगे, उनको उनको आता है, वो निकाल देंगे। ठीक है, माउथ ब्रीदिंग वर्सेस नेजल ब्रीदिंग। हाँ, आपने देखा होगा कि कोई मरने वाला होता है तो मुंह खोल कर फूक मारना शुरू कर देते हैं, फिर आप सोचते हो यार क्यों फूक मार रहे हैं, माउथ ब्रीदिंग क्या? या कभी ऐसा हो सकता है आपको कॉमन कोल्ड हो गया है, तो फिर बच्चे पूछते हैं सर हम मुंह से सांस ले रहे हैं तो क्या ये सही है? अब बेटा ऑप्शन भी तो नहीं है, फिर सांस ही मत लो, भगवान के पास चले जाओगे। अब तुम्हारा नाक जाम है, कंजेशन है, नेजल कंजेशन है, तो मुंह ही तो सहारा है। ऑब्वियसली मुंह से सांस लेना खतरनाक है, इट्स नॉट क्वाइट गुड, बट हाँ जिंदा रहने के लिए कम से कम सांस तो जाना चाहिए ना, क्योंकि मुंह में मुंह से सांस लेंगे तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, नेजल में बहुत सारा फिल्ट्रेशन है। तो माउथ वर्सेस नेजल ब्रीदिंग, द माउथ ब्रीदिंग इज हार्मफुल, अनक्लीन, अनस्टरलाइज्ड, अनकंडीशनल एयर इनहेल होता है, अनक्लीन की क्लीन नहीं हो पाता है, अनस्टरलाइज्ड, अनकंडीशनल, कंडीशनल होता है, कोंका होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि अब ठंडी का टाइम आ गया है, कहीं कहीं जगह पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, इतनी ठंडी हवा जब हमारे अंदर आती है तो हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाना चाहिए, बट होता नहीं है, है ना, काहे नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर कंडीशन है बेटा, कंडीशन है, एयर कंडीशन फिट है, सीधा वो मतलब कि सीधा जो है उसको बदल देता है सारे चीज। अबे लाइक काहे नहीं करते हो बे, एक कट मार्क है उसको काटो, लाइक करो और फिर आओ, फिर लाइव चैट पे आओ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए और लाइक नहीं दबा रहे हो, हैं बताओ, हम पैसा थोड़े ना मांग रहे हैं, लाइक मांग रहे हैं, जो कि पैसा नहीं लगता, खाली बटन दबाना है, तब भी नहीं दबा रहे हो, बताओ, अब शर्म नहीं आ रही। एक होता है फेरिंजियाज्मा। फेरिंजियाज्मा इज अ क्रॉसिंग ऑफ एयर एंड फूड दैट अकर इन द फेरिंग्स, अकर इन द फेरिंग्स। नीट में क्वेश्चन आया है स्पायरोमीटर, दैट इज कॉल्ड पल्मोमीटर। अगर आपके लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करना है तो स्पायरोमीटर, मुंह से एक पाइप डालेंगे, आप फू मारने को गए फू मारो तो फू मारेगा, तो हम उसको मेजर कर लेते हैं वॉल्यूम कितना है। और एक मेम्ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड सिंडेरियन मेम्ब्रेन, ट्यूनिका म्यूकोसा नेजाई, और ये मेम्ब्रेन नेजल कैविटी में भी होता है। तो दिस इज एक्स्ट्रा एज यू हैव टू नो दैट। Now we are talking about some respiratory organ apart from the human body, क्योंकि हम human पे जाने वाले हैं, but before proceeding the human body, you have to know the respiratory organ in different organism. कौन कौन से organism में कैसे कैसे respiratory organs होते हैं? So lower invertebrate like sponges, आता हुआ question है, आता है sponges, cylindrates, flatworm, तो sponges, cylindrate, flatworm. एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद द CO2 बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर बॉडी सर्फेस, यानी इनका जो बॉडी सर्फेस है ना इन्हीं से एक्सचेंज कर लेते हैं इनको, मतलब कुछ ऑर्गन ऑर्गन की जरूरत नहीं है, शरीर ही काफी है। अक्षरा मिश्रा, कीवी, सक्षम, रश्मि है ना, ग्रेट, राहुल, सचिन, जैद, दीवाना ऑफ डॉक्टर एस के सिंह भाई साहब, बहुत बढ़िया, देख रहे हो पढ़ाई ऐसा है कि दीवाना बना दे। एक पहले जमाने में मैक्स एक चैनल हुआ करता था और उसमें मुझे याद है कि हम लोग देखते थे गांव में पड़ोसी के घर पर टीवी, तो अमरीश पुरी वहां पे करते थे उसका चैनल का, तो मैक्स दीवाना बना दे, ऐसे है कि डॉक्टर एस के सी की क्लास सबको दीवाना बना देगी। ठीक है, आपको मजबूर मतलब होके भी आओगे, है ना, नहा रहे हो तब भी देख रहे हो, है ना, खा रहे हो तब भी देख रहे हो, हॉस्पिटल में हो तब भी देख रहे हो, है ना, दिस दीवाना बना दे, ये पावर है और ये पावर आनी चाहिए। ठीक है,
और लोगों को भी शेयर कर रहे हो, है ना, कि आओ पढ़ो जिंदगी बनाओ। तो स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट और फ्लैटवर्म ये अपने पूरे स्किन से सांस ले सकते हैं, इनको कोई भी किसी भी तरह के ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है। अर्थवर्म आर यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल्स, अर्थवर्म इज यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल्स एंड इंसेक्ट्स। अर्थवर्म जो होता है ये मॉइस्ट क्यूटिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अर्थवर्म क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसेक्ट नहीं, अर्थवर्म इज यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्ट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर मॉइस्ट स्किन, फ्रॉग तो मतलब कैसे भी सांस ले सकता है ना, अपने शरीर से सांस ले सकता है, बक्कल कैविटी से सांस ले सकता है। आपको दिखाते हैं फ्रॉग कैसे सांस लेता है, ये देखिए, देख रहे हो ये अद्भुत चीज कैसे सांस ले रहा है बेचारा, स्किन से भी सांस ले सकता है, मतलब ये बहुत अद्भुत प्राणी है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आई ब्रीथ थ्रू माई स्किन एज लॉन्ग इट स्टे वेट, जब तक मैं गीला रहूंगा तब तक मैं सांस लूंगा, अर्थवर्म कह रहा है। ठीक है, इसलिए अर्थवर्म को अगर आप छत पे पकड़ के रख दोगे तो वहीं पे टाइम बोल जाएगा, काहे, क्योंकि वो सूख जाएगा, है ना, सूख जाएगा तो सांस नहीं ले पाएगा तो टाइम बोल जाएगा, रुक जाएगा तो सांस नहीं ले पाएगा, टाइम बोल जाएगा, राइट। ओके, सो ये इक्वेटिक देख रहे हैं गिल्स कैसे सांस ले रहे हैं, ये फिश का गिल्स है, आपने कभी देखा नहीं होगा, खाली पढ़ा होगा, मतलब आपको हर चीज रियलाइज कराने की कोशिश की जाएगी इस क्लास में, मतलब मजा आएगा, फील आएगा कि आप बायो पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा फील आनी चाहिए ना, जो पहले से सड़े गले किताब से पढ़ते आ रहे हो कि, है ना, मतलब यहाँ पे फील आएगी, मतलब मजा आएगा। सो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स फिश एंड मोलस्का यूज वैस्कुलाइज, जहां पे भी वैस्कुलाइज टर्म आ जाता है, वैस्कुलाइज का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, वैस्कुलाइज का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, राइट, वैस्कुलाइज का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। ठीक है, तो गिल्स में एक्सचेंज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल होता है, वेयर इज वैस्कुलाइज्ड बैग इज कॉल्ड लंग्स इन अ टेरेस्ट्रियल फॉर्म लाइक रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स, तो हमारे अंदर भी वैस्कुलाइज्ड होता है, वैस्कुलाइज्ड का मतलब ब्लड वेसल। जब आप एल्वोलाई को देखेंगे, एल्वोलाई जो एक रियल साइट है, तो एल्वोलाई है, ये गोल साइज स्ट्रक्चर क्या है, एल्वोलाई है, और इस एल्वोलाई के चारों तरफ, जी हाँ, इस एल्वोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, इस एल्वोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर बोलो बेटा, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन किससे प्यार करता है, पड़ोसी का तो पता लगा लेते हो कि अरे इसका हाँ मैंने देखा है, पार्क में देखा है, अरे हाँ उसका जानता हूँ, उसका है, हो गया। तो बेटा आपको ये कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन किससे प्यार करता है, ये ऑक्सीजन से प्यार करता है। तो यहाँ पे एल्वोलाई में बहुत सारे गैस आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, बट हीमोग्लोबिन यहीं पे है, हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को बुला लेगा, क्या बोलेगा, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, तब से ऑक्सीजन आ जाएगा और हीमोग्लोबिन भागना शुरू कर देगा। तो हमारे ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, ये देखिए चमत्कारी स्लाइड जो आपको दीवाना बना देगा। ओके, सो यहां पे देख पा रहे हैं, तो दिस इज द इनटेक ऑफ एयर, व्हेन वी इनटेक ऑफ एयर देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, तो आप खुद से सांस लेके देखिए, तो चेस्ट कैविटी आगे आ रही है, जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो चेस्ट कैविटी कंप्रेस हो रही है। हियर इज द एल्वोलाई, लुक ओवर हियर एल्वोलाई, हाउ द एल्वोलाई आर, ये नीचे देख पा रहे हैं, ये एल्वोलाई जब फूल रहा है, जब हम सांस ले रहे हैं, तो ये पूरा का ब्लड वेसल का एक जाली बना हुआ है, ब्लड वेसल का जाली बना हुआ है। तो इस एल्वोलाई के अंदर जो एयर है, ये ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है, यानी ऑक्सीजन इसमें तो बहुत सारे गैसेस होंगे, तो ये ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा, ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म। यहां पे देखिए, ये हमारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स में भी लंग्स डेवलप है, सांस लिया इसने, लंग्स के थ्रू सर्कुलेट हुआ, एक्सचेंज ऑफ एयर सैक, एम्प्टी लंग्स फिल हो रहा है, फुल रहा है। ठीक है, मुझे बस उनसे प्यार है, बट अब पढ़ लो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तुम, प्यार वार करते रह जाओगे।
अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। सो वी हैव अ पेयर ऑफ नॉस्टल, दो हमारे नाक है ना, पेयर ऑफ नॉस्टल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप, अपर लिप के ऊपर ये ओपन होते हैं, एंड द लीड्स टू द नेजल चैम्बर, और ये जो हमारे नेजल ओपनिंग है अंदर की तरफ नेजल चैम्बर में जाते हैं थ्रू द नेजल पैसेस, नेजल चैम्बर ओपन इनटू द नेसोफेरिंग्स। आपको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि नेसोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स होता है, पहले ओरोफेरिंग्स फिर नेसोफेरिंग्स फिर लैरिंगोफेरिंग्स पढ़ाया था। तो इसलिए हर क्लास इंपॉर्टेंट है, एवरी क्लास हर दिन 11 बजे, हर दिन 11 बजे आना बहुत जरूरी है। नेसोफेरिंग्स ओपन थ्रू द ग्लोटाइटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, आप ये देख पा रहे हैं सारा चीज। तो जब हम सांस लेते हैं तो पहला प्रोसेस देखिए क्या है, जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा। नहीं, बड़ा कैसे होता है पता नहीं, कैसे होता है नहीं पता। अरे चलो, ये बड़ा नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए जरा, इन नेजल फेरिंग से ये ट्राकिया से होते हुए पूरा का पूरा अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ चला गया है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं, ये देख पा रहे हैं, दिस इज द ट्राकिया विच इज बाइफर्केटेड, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोस, फिर एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज है। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, साउंड इससे प्रोड्यूस होता है, लैरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, साउंड इससे प्रोड्यूस होता है। ये एल्वियोलाई का पार्ट है जहां पे एयर आता है और एक्सचेंज होता है ना। सो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड विच इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ लैरिंग्स के वजह से बोल रहा हूँ, देयर इज अ मसल्स इनसाइड द लैरिंग्स और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ट्रैकिया जो होती है, आप अपने देखा है ट्रैकिया के बारे में, आपको दिखाते हैं ट्रैकिया। देखिए ये स्ट्रेट ट्यूब है जो सी शेप कार्टिलेज से मिलके बना होता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अपॉन द मिड ऑफ थोरैसिक कैविटी विच डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, मतलब इधर राइट हो जाता है, इधर लेफ्ट हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है। ईच ब्रोंकस अंडरगो द डिवीजन टू फॉर्म अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स। सो देयर इज अ एनहांसियो मार्क्स, द लैरिंग्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शंस एंड हैज दे आर कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। अच्छा, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है अनअकैडमी के ऊपर, आपको पता है अनअकैडमी के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट किया है, देयर इज अ सीरीज एंड दिस सीरीज नेम इज कॉल्ड कंप्लीट Concept of biotechnology कितने दिन में बेटा, in just 4 days, 4 दिन के अंदर में एक complete concept biotechnology का आप सीख सकते हैं, वही बिल्कुल free है अनअकैडमी के ऊपर। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी का app download कर लीजिए, app download करने के बाद इनवाइट कोड आपसे पूछा जाएगा, जिससे आप फ्री में इनवाइट कोड पूछा जाएगा, इनवाइट कोड इज डॉक्टर एसके सिंह, एक कोड लगा के और आज 8 बजे आप आ जाइएगा, ठीक है। 4 दिन के अंदर अंदर पूरा बायोटेक्नोलॉजी हम खत्म करेंगे, इसका नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, इसका नोट्स भी मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। डीपीपी भी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर बायोटेक्नोलॉजी का मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा नोट्स और डीपीपी टेलीग्राम के ऊपर होगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब में है, और अनअकैडमी पे कोड लगा के सीधा आज 8 बजे सब लोग आ जाइएगा। यस और नो, सारे लोग आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पैरेलली दो दो चैप्टर चले, ताकि मैंने जो वादा किया है आपसे कि 3 महीने 3 घंटा = 360, आप मुझे 3 घंटा दीजिए रोजाना, सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऊपर,
सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऊपर, शाम को 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर और 11 बजे यूट्यूब के ऊपर। 3 घंटा 3 महीने के लिए दीजिए, 360 मिलेगा, ये मेरा वादा है। बट ये प्रॉपरली करना पड़ेगा, ऐसे नहीं खाली यूट्यूब पे आते रहे, ऐसे नहीं खाली अनअकैडमी पे आते रहे, ये प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक वे से करना पड़ेगा। यस, तो सारे लोग आ जाइएगा, 4 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा हम बायोटेक्नोलॉजी खत्म कर देंगे। अब आइए यहां से शुरू करते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिन एंड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल एल्वोलाई। तो एल्वोलाई सबसे लोअर वाला पार्ट है। अगर मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊं तो ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकस एंड प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस से उसके बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से फिर एल्वोलाई, एल्वोलाई सबसे लास्ट वाला पार्ट है। सो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोस एंड एल्वोलाई कंप्राइजेस द लंग्स, ये पूरा का पूरा लंग्स बनाता है। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लंग्स किससे बन रहा है, लंग किससे बन रहा है, ठीक है, तो लंग्स किससे बन रहा है, ये इन सबसे बन रहा है, ब्रोंकियाई से बन रहा है, ब्रोंकियोस से बन रहा है, एल्वोलाई से बन रहा है। सो देयर आर टू लंग्स व्हिच इज कवर्ड बाय द डबल लेयर प्लूरा। तो लंग्स के कवरिंग को क्या कहते हैं, लंग्स के कवरिंग को बताइए, लंग्स के कवरिंग को क्या कहते हैं, ये कवरिंग से भी क्वेश्चन आता है, दिस इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना। सो देयर आर टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर प्लूरा, और इस डबल लेयर प्लूरा पे, मतलब कि मान लीजिए लंग्स है, तो लंग्स के चारों तरफ ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो ग्रीन वाला है, दिस इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड ये भरा रहता है लंग्स के अंदर, और इस प्लूरल फ्लूइड के वजह से, इस प्लूरल फ्लूइड के वजह से हम सांस ले पाते हैं, है ना। दे रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग सर्फेस, ये लंग सर्फेस से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ताकि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कभी भी हमारा लंग्स इस रिप्स से घिस के खराब ना हो जाए। अगर पता चले कि हमारा लंग्स घिस के खराब हो रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है, ये तो बहुत गलत बात है। आइए फिर से अपने मार्क्स में बढ़ोतरी करिए। लंग्स किसे कहते हैं, लंग्स बराबर ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोस, एल्वोलाई, लंग्स बराबर ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोस, एल्वोलाई, ब्रोंकियाई, ब्रोंकस। मतलब लंग्स क्या होता है कि एक तो पहले एक ट्राकिया होता है ना, फिर हमारा अंदर आता है प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर यहां पे एल्वोलाई होता है। तो ट्राकिया को छोड़ के, ट्राकिया को छोड़ के प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंकियाई एंड एल्वोलाई इज मेड अप ऑफ लंग्स, मेड अप ऑफ लंग्स, राइट, समझ में आ रही बात। एल्वोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स। जैसे आप याद करते हैं बचपन से, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन, ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है न्यूरॉन, है ना, हार्ट का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है कार्डिक मसल्स, ऐसे ही लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है हेपेटिक सेल्स, ऐसे ही लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है एल्वोलाई, एल्वोलाई के वजह से ही पूरा लंग्स में काम होगा। यस रश्मि रंजन, लेट्स मेक 300 प्लस लाइक, यस वेरी गुड रश्मि, तुमको हम चॉकलेट देंगे, क्या बात है। इंदु थापा, न्यू एस्पिरेंट कविता, रूबी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कितना अच्छा लगता है आप सब हमको सपोर्ट करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, मेरे को तो छोड़ दो, लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को आप बताते हैं कि रोजाना आप अकेडमी पे आइए, यूट्यूब पे आइए, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन इस भारत को बनाने में कितना बेहतर है, रियल थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू कविता, यश, रूबी, थैंक यू ऑल। आइए लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को मद्देनजर देखते हैं, लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो दिस इज अ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा ब्लू की वजह से नहीं देख पाया, ये देखिए, दिस इज अ प्राइमरी ब्रोंकस, है ना, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, और इसको कहते हैं हम लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अब मुझे आप बताइए कि राइट वाला आपको कैसा दिखाई दे रहा है और लेफ्ट वाला कैसे दिखाई दे रहा है, पतला कौन सा है,
थिन कौन सा है? थिन कौन सा है, कोई बता सकता है? एनीवन? धीरज, मानसी बताओ बेटा। हाँ जी प्रियंका, थिन कौन सा है बताइए, मैसेज करके बताइए। अब यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, ये सारे ब्रांचेस देख पा रहे हैं, दिस इज अ ब्रांचेस एक्चुअली, है ना, ये सारे क्या है, ब्रांचेस हैं, ये सारे हमारे क्या है, ब्रांचेस हैं। तो इस ब्रांचेस को, है ना, इस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, इस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, दे आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। और एंड में यहां पे एल्वोलाई होगा, एंड पे यहां पे एल्वोलाई होगा। ये जो ब्लू ब्लू देख पा रहे हैं आप यहां पे, दिस इज कॉल्ड प्लूरा, और ये ब्राउन देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। इन दोनों के बीच में, लंग्स के बीच में जो दूरी है, इस दूरी का नाम क्या है, मीडिया स्टेनम। लंग्स में दूरी का नाम क्या है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, पड़ोसी भी लेफ्ट लिखेगा, हम भी लेफ्ट लिखेंगे, वेरी गुड। इसलिए तो थोरासिक चैम्बर कंटेनिंग द लंग्स हैव अ वर्टेब्रल कॉलम एंड डॉर्सल साइड एंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड। स्टर्नम आगे की तरफ रहता है और पीछे के साइड हमारा वर्टेब्रल कॉलम रहता है। एंड लेटरल साइड एंड डोम शेप स्ट्रक्चर, डोम शेप मतलब इस टाइप का शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं, जो लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है। द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्टिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोस कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्शन पार्ट दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक, वेयर एज द एल्वोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जानने वाला चीज है, दैट्स ग्रेट। दिस इज द लुक ओवर हियर, दिस इज द स्टर्नम, जहां के पीछे आप जाके देखेंगे, पीछे जब जाके देखेंगे तो आपको ट्राकिया नजर आएगा, है ना, पीछे जाके देखेंगे तो आपको ट्राकिया नजर आएगा। ये पूरा हमारा डायफ्रेम है जो थोरासिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करके रखता है। अच्छा, जो रिब्स होता है, रिब्स का ओरिजिन कहां से होता है? हाँ जी, कोई बता सकता है? मैसेज करके बताइए, जरा कमेंट करके बताइए, रिब्स का ओरिजिन कहां से हो रहा है, कहां से निकल रहा है? वेरी गुड, वीसी वर्टेब्रल कॉलम। और जुड़ कहां रहा है, ज्वाइन कहां हो रहा है? स्टर्नम में, वेरी गुड, स्टर्नम में ज्वाइन हो रहा है। तो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ नहीं पा रहा, आप देख पा रहे हैं बीच बीच में यहां पे, है ना, कार्टिलेज नजर आ रहा है। इस कार्टिलेज का कोई नाम बता सकता है, होनहार बच्चा? द कार्टिलेज का नाम कोई बता सकता है? दिस इज कॉल्ड हायलिन कार्टिलेज। आयोवा नीट के अंदर क्वेश्चन है। तो रिब्स जो है वर्टेब्रल कॉलम से निकला और आगे सीधा स्टर्नम से जुड़ा, वर्टेब्रल कॉलम से निकला स्टर्नम से जुड़ गया। ठीक है, किससे जुड़ा? हायलिन कार्टिलेज से जुड़ा। इसलिए रिब्स के पास बाइसेफेलिक हेड, इसे बोलते हैं बाइसेफेलिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बिकॉज दे हैव टू हेड, दो हेड होते हैं, है ना, दो हेड होते हैं, एक वर्टेब्रल कॉलम से निकलने वाला हेड और एक जुड़ने वाला कहां से? स्टर्नम से जुड़ने वाला हेड। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। सो द कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट, देखिए पूरा का पूरा जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या ब्रीदिंग को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कंडक्टिंग पार्ट, मतलब जिससे एयर कंडक्शन हो, जिससे एयर आए, और एयर एक बार आ गए तो फिर एक्सचेंज हो पाए। तो ऑब्वियस एक्सचेंज कहां होगा? एक्सचेंज तो आपको पता ही है, एल्वोलाई में एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई, है ना, एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसे एल्वोलाई तक पहुंचाना, क्लियर करना फॉरेन पार्टिकल्स को, क्योंकि नेजल चैम्बर में देखेंगे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो उस पार्टिकल्स को क्लियर करेगा। या कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, म्यूकस वगैरह होते हैं ट्रैकिया के अंदर जो गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं, उसको ट्रैप करने में मदद करेगा। तो अल्टीमेटली द एयर विल बी क्लियर बाय द फॉरेन पार्टिकल्स ह्यूमिफाइड। इस नेजल चैम्बर में कॉन्का होते हैं, सुपीरियर कॉन्का, मिडिल इंफीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का, उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं। एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, होता क्या है ना कि लोग
यही मैं कोटा में जाऊं और वहां पे एक इंस्टीट्यूट खोल दूं जहां पे बायो को मैं 2000 रुपए में आपका पूरा बायो कंप्लीट कराऊंगा, है ना। देखो कितना भीड़ लगेगा, लोग आएंगे, है ना। और मैं ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर दूं जहां पे आप 1000 रुपए देके पूरे बायो को खत्म करें। तो एक तो ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, वहीं पे मैं लाइव करा दूंगा, है ना, एक कैमरा लगा के पीछे, जहां पे ऑनलाइन भी चल रही है ऑफलाइन भी चल रही है, पैसा ही पैसा, है ना। फर्क क्या होता है कि आप पैसा देके यही सेम यही स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप पैसा देके एकदम भीड़ लग जाएगी, बट फ्री में लोग नहीं पढ़ते। ये हमारा माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, हमारे माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। यूट्यूब पे मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो अपना पूरा 100% झोंक देते हैं, 100% लगाते हैं और बेचारे मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा एक अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है, बच्चे अप्रिसिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, तो फ्री में पढ़ाने वाले को अप्रिसिएट थोड़ा ना किया जाता है। हाँ, अगर मैं आपसे पैसा ले लूं तो आप मुझे अच्छा भी कहोगे, है ना, गुणगान भी करोगे, है ना, अच्छा भी कहोगे और अप्रिसिएट भी करोगे और मैं पैसा पैसा भी मुझे मिल जाएगा। अगर मैं उन्हें फ्री में पढ़ा दिया तो ना तो अप्रिसिएशन मिलेगा और ना ही आप अच्छा कहोगे, लोग प्रवचन सुना के चले जाएंगे। तो इस थॉट को कौन बदलेगा? एक विचारक ने कहा था कि अगर आपको कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना शुरू करो। इस थॉट जो ये पूरा चल रहा है मार्केट पैसे का, एक बच्चा जन्म लेता है गरीब परिवार में, जब वो अपना होश संभालता है तो उसको लगता है कि मुझे जब डॉक्टर बनना है तो मुझे दिल्ली मुंबई कोटा जैसे शहर में जाना पड़ेगा और वहां पे लाखों रुपए दे के तब जाके हम मौलाना आजाद एम्स और बड़े मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। उसका सपना चूर तभी हो जाता है जब उसने होश संभाल लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपए थोड़े ना है, है ना, पापा किसान है, पापा मजदूर है, तो 1 लाख तो सपने में भी नहीं सोच सकता है। ये रिवोल्यूशन, ये क्रांति सिर्फ आप ला सकते हैं। आप अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि फ्री में भी बहुत कुछ किया जा सकता है कि लोग पैसे दे के भी नहीं कर पाते। जब तक आप अपने थॉट को नहीं बदलेंगे तो हमारा पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी बदल नहीं पाएगा और यही लोग आपसे पैसा लूटते रहेंगे और ये लोग रिच बनते जाएंगे और आप गरीब बनते जाएंगे। आपकी सोच को बदलना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब आप कैसे कर सकते हैं, आप इंडिया को कैसे बदलेंगे? आप डॉक्टर बनेंगे तो आपका सोच तो ऐसे ही है, पैसा पैसा पैसा। सोच को बदलिए। मैं ऐसा आपसे क्यों कहता हूं कि बार बार इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, मुझे क्या फायदा मिलेगा? नथिंग। यूट्यूब कितना पैसा दे देगा? 10,000, 20,000, 30,000, दैट्स ऑल। 30,000 तो एक बच्चे का कोर्स होगा जो मैं बेचूंगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है कि उस बच्चे को डॉक्टर बनाना, और मेरे मकसद में आपका मकसद भी होना चाहिए। आपको भी ये तय करना पड़ेगा कि वो गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बने जिसके पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप शेयर करो, लोगों को बताओ कि रोजाना 11 बजे क्लास होती है, लोगों को बताओ कि अन अकेडमी पे रोज सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे क्लास होती है। जब तक नहीं बताएंगे लोग कैसे इस चीज को, अरे बानू, थैंक यू नेलोफर बानू फॉर दिस रिवोल्यूशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा तो कमा लोगे आप, डॉक्टर बनोगे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पैसा कमा लेता हूँ, इतना कमा लेता हूँ जिससे मेरा ठीक ठाक चल जाता है। मतलब मुझे बड़ा शौक नहीं है कि बड़ी लंबी कार हो, बड़ा आलीशान मकान हो, मेरे थॉट है ही नहीं। मतलब होता है ना, लाइफ के जीने का तरीका अलग अलग व्यक्ति का होता है। आप जब डॉक्टर बनोगे तो आपको रियलाइज होगा, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहां पे जन्म होते भी देखता हूँ और मरते हुए भी देखता हूँ। फिर रियलाइज होता है कि यार लाइफ क्या है, मतलब समझ लो
रोज मैं मरते हुए लोगों को देखता हूँ, रोज जन्म होते हुए देखता हूँ, फिर पता चलता है यार लाइफ क्या है। जो आएगा वो जाएगा जरूर, बट जाते वक्त लोगों की आंख से आंसू आ जाने चाहिए कि आपने किसी को खो दिया है और जिसके वजह से आपकी लाइफ पे असर पड़ेगा। ठीक है, जब आप मरें तो लोगों के आंख से आंसू आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों के लिए एक मसीहा हैं, और अगर आप चले गए उनको छोड़ के तो बहुत वो दुखी होंगे। ऐसा आपको करना है। ठीक है, चलो मैं ही रोक दूंगा। चलिए, एक्सचेंज ऑफ दो पार्ट होते हैं, द कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट, राइट। तो कंडक्शन में क्या होता है कि एयर कंडक्शन होता है ना, एयर कंडक्शन होता है। एयर कंडक्शन का मतलब एयर आता है, जस्ट एयर उससे आता है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि वहां पे एक्सचेंज होता है ना, वहां पे एक्सचेंज होता है, चीजें एक्सचेंज होती है। तो एक्सचेंज के लिए सबसे प्रभावशाली क्या होता है, एल्वोलाई होता है ना, सबसे प्रभावशाली एल्वोलाई। तो साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेरिक एयर, वहां पे हमारा ब्लड वेसल होता है, उसको एक्सचेंज करता है। सो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, कौन कौन से स्टेप होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच द एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वोलाई एयर इज रिलीज आउट। नॉर्मल प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम सांस लेते हैं और फिर जो सांस है फिर हम दोबारा उसे छोड़ देते हैं ना, दोबारा इसे हम छोड़ देते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जब हमने सांस लिया तो पूरा का पूरा एयर हमारे एल्वियोलाई तक आया। इस एल्वियोलाई के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि पूरा एयर आ रहा है, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर सीधा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चला गया। तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन इज टेक प्लेस इनसाइड द ब्लड, राइट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टू द ब्लड, अब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन को लेके घूमता है, राइट। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, अब ये टिश्यू है, टिश्यू मांगता है क्योंकि टिश्यू गरीब है, ये हीमोग्लोबिन से गुजारिश करता है कि बेटा हीमोग्लोबिन चार चार लेके घूम रहे हो, हमको एक दे दो, तो एक दे देता है और ये एक देने से खुश हो जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन इसके अंदर आया तो ये सेल यूटिलाइज करेगा फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन और फाइनली ये CO2 फिर से ब्लड के अंदर भेज देगा, CO2 फिर से ब्लड के अंदर भेज देगा। सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस। सबसे पहले दिस इज अ ट्रैकिया, ट्रैकिया जो होता है इन्वर्टेड C-shape कार्टिलेज से मिलके बना होता है ना, ये इन्वर्टेड C-shape कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ट्रैकिया के ऊपर जैसे ही देखेंगे दैट इज द लैरिंग, एंड लैरिंग्स इज व्हाट, लैरिंग्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसिंग द साउंड, है ना। लैरिंग्स क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड दिस इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, राइट, दे आर कॉल्ड साउंड बॉक्स। और लैरिंग से ठीक ऊपर देखेंगे तो देयर इज अ एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस होता है, और एपिग्लॉटिस का मेन जो फंक्शन होता है वो रीडायरेक्शन होता है चीज़ों को, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना सीधा हमारे फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। तो दिस ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, राइट, दिस ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ये ट्रैकिया आप देख पा रहे हैं, दे विल बी बाइफर्केटेड, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एंड दे फॉर्म अ ब्रोंकस। So the bronchus is divisible into the two part, one is called left bronchus aur dusra hota hai right bronchus, right. So do hisson mein divide ho jata hai, this hissa, ye wala jo hissa hai, this one is a right bronchus, hai na, this is a right bronchus and this one is a left bronchus. Left bronchus dekh pa rahe hain aap, bahut hi patla hota hai, narrow hota hai, इसलिए ईयर का कंडक्शन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द राइट। राइट में राइट वाला ब्रोंकस होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि राइट जो ब्रोंकस होता है, राइट ब्रोंकस होता है वो ब्रॉडर होता है ना, ब्रॉडर होता है, इट्स अ ब्रॉडर और मोर इंक्लाइंड टू द वॉट,
मोर इंक्लाइन टू द ट्रैकिया। तो मैक्सिमम एयर का कंडक्शन यहीं पे होता है, मैक्सिमम एयर कंडक्शन राइट ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस में देखा जाता है। हमारा लेफ्ट है तो राइट ब्रोंकस में देखा जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा इंफेक्शन जो होते हैं राइट लंग्स में होते हैं, तो राइट लंग्स में इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ लोग कंप्लेन करते हैं कि राइट साइड में मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है, अच्छा आज खुशखबरी क्या है, आप देख पा रहे हैं मैं अनअकैडमी की टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा हूँ। खुशखबरी ये है कि अनअकैडमी में मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, राइट, अनअकैडमी में पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। बहुत अमेजिंग जर्नी रही है, अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नीट की अगर हम बात करें तो नीट के तैयारी के लिए लोग लाखों रुपए देते हैं, है ना। लोग लाखों रुपए देके कोटा, दिल्ली, बड़े बड़े शहर में जाके मतलब वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अनअकैडमी कम पैसों में वहाँ के टीचरों को मतलब बुला के और पढ़ा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अनअकैडमी का आज टोटल 6th एनिवर्सरी आज है, 6 साल का अनअकैडमी हो चुका है, 6 साल का अनअकैडमी हो चुका है। और इस 6 साल के उपलक्ष्य पे आज के लिए वैलिड 1 दिन के लिए है, आज के लिए 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ना, 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बट ये कंडीशन कब है, जब आप 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तब। तो अगर आप 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 6 महीने का फ्री में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कोड डॉक्टर एस के सिंह लगा सकते हैं, कोड डॉक्टर एस के सिंह सबसे ज्यादा अनअकैडमी के ऊपर लगता है, है ना, कोड डॉक्टर एस के सिंह सबसे ज्यादा अनअकैडमी के ऊपर लगता है। और ये इसकी वैलिडिटी आज रात को 12 बजे है, तो जिन बच्चों को चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोड डॉक्टर एस के सिंह लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे अनअकैडमी की तरफ से ये सारा चीज गिफ्ट है। ओके, यहां देखेंगे, जब यहाँ देखते हैं तो ये हमने राइट और लेफ्ट ब्रोंकस देख लिया। यहाँ पे आप डिवीजन देख पा रहे हैं, दिस इज अ डिवीजन एंड दिस डिवीजन इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, इसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स बाहर ऊपर के साइड में टर्मिनल पार्ट में एक सॉलन स्ट्रक्चर बना रहा है ना, सॉलन पार्ट में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वोलाई, इसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। अच्छा अगर मैं कब से क्वेश्चन पूछूं कि द मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो क्या बताएंगे आप, द मेन साइट ऑफ गैस ऑफ एक्सचेंजेस, मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या बताएंगे आप, हाँ जी बताइए, मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मानसी सुमित, मानसी सुस्मिता कृष्णा बताइए, सुमित कृति शाहनी, ग्रेट गुड। सो द एल्वोलाई मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, दिस इज अ गैसियस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज जो होता है एल्वोलाई में होता है। क्यों, क्योंकि एल्वोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हम सांस लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा एयर अंदर की तरफ आता है, लंग्स में आता है, और लंग्स में आने के बाद एल्वोलाई तक जाता है, और एल्वोलाई तक वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, दैट्स अ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड। यहां पे देख पा रहे हैं दिस इज अ लंग्स, और लंग्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है दैट्स अ प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो फ्लूइड है दैट्स अ प्लूरल फ्लूइड। दिस प्लूरल फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्शन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स घिसे ना, है ना, तो उससे मदद होता है। बट अगर बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन अगर हो जाता है, खासकर बैक्टीरियल इंफेक्शन, और कौन सा बैक्टीरिया कोई बता सकता है जो प्लूरल फ्लूड के कंसेंट्रेशन को बदल सकता है, हाँ जी शानी शबाना सर्वेश नेहा राहुल सुमित बताइए, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लूरल फ्लूड के कंसेंट्रेशन को बदल देता है। तो प्लूरल फ्लूड के कंसेंट्रेशन को जो बदलने वाला बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना, टीवी वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, राइट।
Mycobacterium tuberculosis. This is a diaphragm, which is a dome-shaped diaphragm. This is a dome-shaped diaphragm. और सांस लेने और छोड़ने में इसका शेप बदलता रहता है. यहाँ पे देखेंगे कि दो लंग्स के बीच में एक पोटेंशियल गैप है एंड दिस गैप इज कॉल्ड मीडिया स्टेनम है ना. दिस गैप इज कॉल्ड मीडिया स्टेनम और मीडिया स्टेनम में लंग्स प्रेजेंट हार्ट प्रेजेंट होता है. मीडिया स्टेनम में हार्ट प्रेजेंट होता है. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट mechanism of breathing, that is ventilation of lungs. हम सांस लेते कैसे हैं, है ना, सांस कैसे लेते हैं ये जानने का कोशिश करते हैं. तो breathing involve the two stages, one is called inspiration and other is called expiration. Inspiration का मतलब होता है सांस लेने का, सांस कैसे लेते हैं, that's our inspiration. और सांस जब हम छोड़ते हैं that is called expiration. So breathing involve the two stages, that inspiration during which the atmospheric air is drawn in, है ना. आप सांस लेके देखिए, आप एटमोस्फेरिक एयर को आपने क्या किया, इनहेल किया, ठीक है, ड्रॉन किया, और एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट. तो क्वेश्चन आता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कौन से प्रोसीजर होते हैं. अब सांस लेना में एनर्जी खर्च होता है ना, सांस लेने के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है. तो इंस्पिरेशन देयर इज अ यूज ऑफ एटीपी, और यूज ऑफ एटीपी दैट इज कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर इनटेक ऑफ एयर, है ना, इनटेक ऑफ एयर एटीपी रिक्वायर्ड होगा. और एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, दिस इज अ पैसिव प्रोसेस. ये पैसिव प्रोसेस है जहां पे सांस छोड़ने के लिए कोई भी आपको ऊर्जा के खर्च करने की जरूरत नहीं है. So, movement of air into in or out to the lungs is carried out by the creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere. And this is very, very important line. ये line इसलिए important है, अगर मान लीजिए ये diaphragm puncture हो जाता है, diaphragm is made up of muscles, right? और diaphragm में किसी ने चाकू मार दिया, तो क्या होगा कि जो pressure gradient है, जो हमारे lungs में pressure maintain है, वो maintain नहीं रह पाएगा, नीचे एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा और फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे. सांस हम इसलिए ले पाते हैं क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है. तो व्हाट इज अ प्रेशर ग्रेडियंट एक्चुअली, द प्रेशर ग्रेडियंट इज व्हाट कि जैसे बाहर कभी नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अंदर है यानी अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो हम सांस छोड़ पाते हैं. ऐसा समझिए कि अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो ज्यादा से कम में आएगा तो हम सांस ले पाते हैं. तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, बट यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट से ही हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर पाते हैं. यस एंड नो. रागनी अकाकाक्षंदा राहुल स्मिता शिव, वेरी गुड, ग्रेट. दिस इज हाउ वी लुक व्हेन वी इंस्पायर और एक्सपायर द एयर. तो जब हम सांस लेते हैं तो आर लंग्स इज लिटिल बिट एक्सपेंडिंग, राइट. तो आप सांस लेके देखिए, जब आप सांस लेंगे तो आपका चेस्ट कैविटी आप अपर साइड में आता है, मतलब चेस्ट कैविटी आगे की तरफ जाता है. जब आप सांस छोड़ते हैं तो रिक्वाइल होके फिर से वापस चला जाता है. तो दिस मोमेंट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. सो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, है ना. जोर से बोलिए, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है. दीवाना ऑफ डॉक्टर एस के सिंह, लाइक ठोको, जय महाकाल. बिल्कुल यार, जो एक क्रॉस वाला बटन है, इसे क्रॉस वाले बटन को काट के सबसे पहले लाइक ठोक के आओ. यहाँ 200 बच्चे अप्रॉक्स आके देखेंगे और तुम लोग मतलब लाइक इतना कम है यार, शर्म नहीं आती तुम लोगों को. लाइक ठोको, जय महाकाल. यस, लाइक ठोकिए. हाँ, तो अभी जैसे मैंने बताया था कि हम सांस इसलिए ले पाते, देखिए आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा. रट्टू तोता नहीं बनना है आपको. रटा हुआ ज्ञान बहुत कम समय का होता है, ठीक है. तो
अगर आप अच्छे से फिजियोलॉजी समझते हैं तो लॉन्ग टर्म तक मरते वक्त भी पता दोगे अच्छा ऐसे सांस लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, बाहर ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा से कम में चीजें आती हैं। यस और नो? यस, है ना? बाहर अगर ज्यादा होगा तभी तो अंदर आएगा। अबे तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तो दोस्त के पास दे पाओगे, अब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो क्या दोगे, समझ रहे हो? वही बात है। तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दे आर कॉल्ड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विच इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना? तो इंस्पिरेशन कब होता है? जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है, बाहर ज्यादा होता है तो हम सांस ले पाते हैं, सांस ले लिया। सिमिलरली एक्सपिरेशन कब होता है? जब अंदर ज्यादा होता है, भरा हुआ है। अब कोई भरा हुआ है तो आके प्रवचन सुना के चला जाता है ना। अब मान लो किसी का दिल टूट गया, भरा हुआ है कि अरे कभी मत प्यार करना, और गाने भी सुनेगा कि कभी ना प्यार करना, ये सब गाने भी वही इमोशनल वाला सुनेगा, भरा हुआ है उसका दिल, भरा हुआ है, तो आके तुम्हें प्रवचन देगा ना 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 ना, सब चीज कर लेना बट प्यार मत करना, है ना? तो यही है। तो ये अगर अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है गैस, है ना, बाहर बहुत कम है तो अंदर से बाहर जाएगा। यानी जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, तो आप सांस को छोड़ दोगे। देखो ये एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? समझ में आया सबको? यस, वेरी गुड, समझ में आ गया। ठीक है जी, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। आओ बेटा एलिन जेपी, चीर के रख देते हैं तुमको, रोजाना ही चीरते हैं, तुम्हारा भी चीर देंगे। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन। बेटा डॉक्टर से ऐसा नहीं बोलना है, ना ना ना, इंजीनियर से बोल दो, किसी से बोल दो, डॉक्टर से बोलोगे सही में ओटी टेबल में चीरना शुरू कर देंगे, ना ना, डॉक्टर से नहीं। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है ना। तो नहीं, नॉर्मल रेस्पिरेशन में डोम शेप का होता है। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर इन द इंटीरियर ऑफ पोस्टीरियर एक्सिस, है ना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान प्रोसेस है, अगर मैं आपको मैकेनिज्म एक शब्द में लिख दूं तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। आओ काले के अंदर पढ़ते हैं। अब हमें ये समझना है कि हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल चीज है, बहुत नॉर्मल। तो सांस कैसे लेंगे? सांस तभी लेंगे जब लंग्स, अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं, इंस्पिरेशन का प्रोसेस की बात करूं, तो सांस कब लेंगे? जब लंग्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए, है ना, तभी अंदर का कम होना चाहिए, बाहर का ज्यादा होना चाहिए, है ना, सांस तब लेंगे। अच्छा, कंडीशन के पहले आप जानो कि आप सांस लो पहले। आज प्रैक्टिकल चीजें करते हैं, लियो लवे लो, अपना ही तो लेना है। सांस भरा तुमने तो आपका लंग्स थोरासिक कैविटी क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। तो ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन हम ये लिख रहे हैं, अपना ही करके लिख दो, वही तो एनसीईआरटी वालों ने लिखा है बे, उनको थोड़े ना अपना ही करके देखना है, याद थोड़े ना करना है, वही चीज है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब हमने सांस लिया तो हमने ये पाया कि हमारा थोरेक्स का वॉल्यूम, थोरासिक, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, थोरासिक वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। थोरासिक वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बताओ बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? अरे प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा बोलो, जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर अंदर का घटना शुरू हो जाएगा, प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा। इससे रिलेट कर रहे हैं आप, ये देखो ये सेमी लाइन तो है, प्रेशर कम हो गया किसके अंदर? लंग्स के अंदर का प्रेशर। अबे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो रहा है। अगर मैं गुब्बारे को धीरे 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 ऐसे ऐसे दबाऊंगा तो उसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, प्रेशर बढ़कर फट से फट जाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, समझ रहे हो? तो गुब्बारा फट क्यों रहा है? क्योंकि प्रेशर अंदर का बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़
हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यही है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है ना, मेरा यार हंस रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर अंदर का घटेगा बाहर का ज्यादा है, समझ रहे हो, अंदर का घट रहा है यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू लंग्स, तो ज्यादा से लंग्स में आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा से लंग्स में आना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है वे, इसमें कुछ याद करने का चीज है, बोलो, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, है ना, एनसीईआरटी वाले ने लिख लिख के प्रवचन छाप दिया, तुम रटते रह जाते हो, रटना नहीं है, है ना, हम हैं तो रटना नहीं है, ठीक है जी, समझ में आया। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यहां से देखिए, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट ऑफ द रिब्स को लिफ्ट अप करता है एंड कॉजिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, बाहर का अंदर टप 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 आना शुरू हो जाएगा, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, है ना। सो द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरासिक वॉल्यूम, ओवरऑल इंक्रीज द थोरासिक वॉल्यूम कॉजेज द सिमिलर इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम एंड इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कम होगा ना, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हो जाएगा किसके कंपेयर में, एटमोस्फेरिक प्रेशर के कम में, इसलिए जो हवा है आउटसाइड से अंदर के तरफ आना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को इंस्पिरेशन बोलते हैं, इस प्रक्रिया को इंस्पिरेशन बोलते हैं। रुचि मिश्रा कह रही है सर स्पेशल क्लास का टाइमिंग क्या है, रुचि मिश्रा जी यहां 200 बच्चे देख रहे हैं बेटा, 200 को भी कूट के फेंकेंगे हम, देख रहे हो, रुचि को पता नहीं है, ऐसे हम रिवोल्यूशन लाएंगे, हैं तुम लोग बताते का ही नहीं हो बे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल रहे हो कटरीना की शादी हो गई सलमान मर गया, हैं ये नहीं डाल सकते जिससे लाइव बनेगी, कटरीना की तो हो गई, तुम्हें से क्या मतलब है, मतलब हद होती है, आज सबके व्हाट्सएप के स्टेटस पे ये टाइम होना चाहिए, सुबह 9 बजे शाम को 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लास होती है, इसको ज्वाइन करने के लिए कोड पूछा जाएगा, कोड लगा देना डॉक्टर एस के सिंह, सीधा फ्री क्लास में जुड़ पाओगे। अगर ये नहीं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा तो बेटा कूट के फेंकेंगे 200 लोगों को, देख लेना, ऐसे बनोगे डॉक्टर, हैं? रोजाना सुबह 9 बजे शाम को 8 बजे, ठीक है, रोजाना सुबह 9 बजे शाम को 8 बजे, सही है रुचि, तुम्हारे वजह से इतने सारे लोगों को डाटा है, अगर तुम ही नहीं आओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, देख रहे हो। तो मोमेंट ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स, मोमेंट ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स सो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी इंक्रीजेस, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिक्रीज द एयर प्रेशर इन द लंग्स, प्रेशर कम हो गया, ग्रेटर द प्रेशर आउट साइड दैट इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, द बॉडी नाउ कॉजिंग एयर फ्लो रैपिडली फ्रॉम एक्सटर्नल नेयर्स, मतलब ना थ्रू नेजल चैम्बर इन टू द इंटीरियर नेयर्स, देयर आफ्टर द सिक्वेंस ऑफ एयर फ्लो लाइक दिस, कैसे कहेगा, तो सबसे पहले आप सांस लिया, अबे चरस नहीं खींच रहे हो, सांस ले रहे हो, एक्सटर्नल नेयर से लिया, फिर नेजल चैम्बर से लिया फिर उसके बाद इंटीरियर नेयर्स के पास आया, फिर फेरिंग्स के पास आ गया, फेरिंग्स के पास आने के बाद ग्लोटिस, फिर लैरिंग्स, ट्राकिया, ट्राकिया के बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और फाइनली एल्वियोलाई। ये सारा नोट्स मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा बेटा, टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम, कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम, डॉक्टर एस के सिंह MMC। यहां देखिए, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम,
तो दिस इज द ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एटमोस्फेयर. हालांकि दिल्ली का एयर तो ऐसा नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे साफ सुथरे जगह पे रहते हो जहां पे ऑक्सीजन रिच एयर है. लिया, लेने के बाद सीधा आपके नेजल कैविटी में पहुंचा, नाक नाक में पहुंचा, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स में पहुंच गया हवा, यहां पे फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया में पहुंच गया, यहां पे है ना, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई में पहुंच गया, नीचे जा रहा, अब चीर के तो दिखा नहीं सकते, फिर ब्रोंकियोस में पहुंचा और एल्वेलाई में पहुंचा. एल्वेलाई इज अ मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ये आपने खुद बताया है. क्यों? क्योंकि एल्वेलाई के पास वहां पे चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं और आपने जो एयर खींचा है तो एयर के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन किससे प्यार करता है बेटा? ऑक्सीजन से. और कितना प्यार, इसका बचपन का प्यार है वे, चार चार मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेता है, टप 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 टप, चार मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेता है और भागना शुरू कर देता है क्योंकि इसको लग रहा है कि कहीं दूसरा कोई देख ना ले, है जैसे तुम लोग भाग. तो हीमोग्लोबिन चार मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन को पकड़ लिया और वहां पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. अब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एट एल्वेलाई, जो अभी बता रहा हूं, फिर ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियाई, ट्राकिया, फेरिंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया. तो मतलब यहां पे एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और ये बाहर भी ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है. ठीक है, समझ में आ गया? ग्रेट. तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स रिजल्ट इन डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजिशन टू रिड्यूस द थोरासिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम. सो दिस लीड टू द इंक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर, और इससे हम सांस छोड़ पाते हैं. सांस किस लिए छोड़ पा रहे हैं? सांस इसलिए छोड़ पा रहे हैं कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है. तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का कम है तो उगल देंगे, है ना. अबे उसमें भी तो यही हो रहा था, किसमें? वोमिटिंग में. अंदर भर लिया, शादी में गए, सब चीज खाया, तो अंदर का मटेरियल बहुत ज्यादा फेंक दिया, जाओ. बॉडी बहुत चलाक है. तो मूवमेंट ऑफ फाउल एयर, फाउल एयर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. फाउल एयर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हम भेजते हैं? तो एल्वेलाई, एल्वेलर डक्ट, ब्रोंकियोस, ब्रोंके, वही सेम चीज़ें हैं, कोई बदलता नहीं है. क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये सेल है और सेल तो ये भूखा है, किसका भे? प्यार का नहीं, ऑक्सीजन का. इसको ऑक्सीजन जैसे मिल जाता है तो देखो इसके चेहरे पर रौनक आ गई, ये काम करना शुरू करेगा और काम करके ये ऑक्सीजन को खींच लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा. कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा किसके अंदर? ब्लड के अंदर. ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के पास आएगा और आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देंगे. प्रिंस अभिषेक दास, सर आपकी शादी हो गई क्या? अबे लड़की पूछती तो बात होता, अबे लड़को तुमसे क्या लेना देना है बे? हाँ, हद होती है यार. हेल्दी ह्यूमन ब्रीद करीब 12 से 16 टाइम्स इन मिनट. एक मिनट में करीब 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं, पता है? एक मिनट में, समझ रहे हो, एक मिनट में हम 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं. तो ब्रीदिंग मूवमेंट को कैसे आप एसेस करेंगे? ब्रीदिंग मूवमेंट को एसेस करने का क्या तरीका है? कि आपको चेस्ट को देखना पड़ेगा. कितने मिनट तक? एक मिनट तक देखते रहो और काउंट करते रहो कि कितना बार धड़क रहा है. राइट, कितना बार धड़क रहा है. सो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन अ ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्पायरोमेट्री. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. तो अगर आप चाहते हो कि आपके लंग्स में कितनी हवा हो, ठीक है, कितनी हवा हो, तो उस हवा को नापना है, है ना. उस हवा को अगर नापना है तो किससे नापोगे बेटा? स्पायरोमेट्री से, विच हेल्प इन क्लिनिकली असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन.
आप मतलब कि इवन मुझे डायग्नोस बनाना है कि वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और एनी पल्मोनरी डिजीज, तो आई हैव मेजर थ्रू द हिज और हर कैपेसिटीज और वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन विच इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से हम इसको मेजर करेंगे। ये देखिए ये चच्चा है, ये आए हैं हमारे पास और इनको ये मशीन मुंह में लगा देंगे, ठीक है, और कहेंगे चच्चा फूक मारो। जैसे ये फूक मारेंगे तो इनका लंग्स जो है, इनका लंग्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा, है ना, इनका लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा और इसको हम एसेस कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, एसेस कर लेंगे, है ना, इनको हम एसेस कर लेंगे कि इनका लंग्स ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये आया और फिर ये जैसे इन्होंने फूक मारा तो ये ऊपर जाएगा और इससे हम इनको देख लेंगे कि क्या चल रहा है, ना, क्या चल रहा है। सो यू विल बी गिवन अ इंसेंटिव स्पायरोमीटर, दिस इज द मशीन फूक मारना है से, एंड यूज बिफोर एंड आफ्टर योर सर्जरी। हाँ, इसको क्या होता है कि आपने देखा होगा कोई पेशेंट बेड पे लिटा हुआ है ना, प्रोलॉन्ग सर्जरी है, तो उसको ये मशीन देते हैं खिलौना, लाल पीला हरा नीला, कभी देखा है? हैं? एक बार क्या हुआ था कि हम जब सेकेंड ईयर एमबीबीएस में थे तो सर्जरी वार्ड में हमारा पोस्टिंग था, तो उन लोगों को लगता है कि ये लोग फाइनल ईयर और डॉक्टर बनने वाले हैं, तो हमको बुलाया, इधर आओ बेटा, इधर आओ, खड़ा हो जाओ यहाँ पे। हम जाके खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये खिलौना क्यों दिया गया है इनको, तो मैंने आज तक देखा नहीं था, नहीं खिलौने के बारे में पता था, ऐसे खिलौना था लाल पीला हरा नीला बॉल था, मुझे लगा यार खिलौना क्यों दिया, बच्चा भी नहीं है। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैंने कहा कि सर इनका मन नहीं लगता होगा, है ना, आसपास तो कोई है ही नहीं, है ना, इनके घर वाले नहीं होंगे, तो इसलिए खिलौना दे दिया होगा ताकि खेलते रहे, इनका मन बहल जाए। कह रहे वाह बहुत बढ़िया, तुम आ जाओ सामने, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। और बड़ी सामूहिक बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती कि पूछो मत। खैर हम बेइज्जती सहसे के अच्छा डॉक्टर बन पाते हैं, है ना। तो एक खिलौना क्या होता है कि जब आप प्रोलॉन्ग लेटे रहते हैं ना, तो आपके जो चेस की एक्टिविटी है वो कम होने लगती है, है ना। उसके चेस की एक्टिविटी को सुचारू रूप से करने के लिए आपको चेस एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, तभी खिलौना दिया जाता है। हालांकि खिलौना नहीं है, दिस इज स्पायरोमीटर एक्चुअली, एंड दिस स्पायरोमीटर इज व्हाट, दिस स्पायरोमीटर इज व्हाट, दिस इज द मेजर द वॉल्यूम, और ये इसे एक्सरसाइज भी किया जाता है, इट कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन आफ्टर द सर्जरी। सो दिस वन इज स्पायरोमीटर एंड दिस इज एक्सरसाइज है। या एनहांस योर मार्क्स, द रेस्पिरेटरी साइकिल इज वॉट, द इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, दिस इज द रेस्पिरेटरी साइकिल। सांस लेना छोड़ना इज अ रेस्पिरेटरी साइकिल, है ना, इसको रेस्पिरेटरी साइकिल कहते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन, दैट्स ब्रीदिंग रेट 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, एंड स्पायरोमेट्री इज द रेस्पिरोमेट्री टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट। यस, यहां देखिए सांस कैसे छोड़ते हैं और लेते हैं, एंड दिस डायग्राम इज आई थिंक एनसीईआरटी। तो जब हम सांस को लेते हैं, जब एयर इनहेल करते हैं तो हमारा लंग्स एक्सपेंड हो जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स हमारा सिकुड़ जाता है। इसके पीछे मैंने कंसेप्ट बता ही दिया आपको। सो यहाँ एक बॉक्स है और इस बॉक्स में बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई हैं। सो बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ओनली वन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन। जैसे अभी मैंने बताया था कि अर्थवर्म जो होता है अपने बॉडी से सांस लेता है पिछली क्लास में, है ना, तो ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहलाता है क्योंकि ये बॉडी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व रहती है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो अगर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन एसोसिएटेड है जैसे कि लंग्स, तो हमारा रेस्पिरेशन क्या है, इनडायरेक्ट है, समझ रहे हो, हमारा रेस्पिरेशन जो है इनडायरेक्ट है। दिस इन्वॉल्व द टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वन इज अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन, द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड, and this is lactic acid fermentations, they accumulate in the lactic acid cause the muscle contraction, ye muscle fatigue, dekho kya hota, maan lo ki maine tumko ek prize rakha ki aa jao sare log, tumko hum daudayenge aur daudne ke baad 1000 rupiya aur jalebi aur samosa denge, to sare log aa jayenge, hai na, chalo bhai
दौड़ना ही तो है, क्या ही करना है ना। और अगर थक भी जाए तो क्या है, 1000 रुपया मिलेगा, फोन को रिचार्ज भी करवा लेंगे, उनसे बात किए हुए बहुत दिन हो गया है ना, और उनका भी कर देंगे है ना, ताकि दोनों का काम चलता रहे। और पैसा मिलेगा तो कुछ कुछ करेंगे है ना। पैसा मतलब बहुत मतलब वो है लालची इंसान, मतलब लालच पैदा कर देता है। और जलेबी समोसा तो आपका फेवरेट तो है ही है। तो आप दौड़ेंगे तो क्या होगा कि आप विग्रस एक्सरसाइज करें, टक 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 दौड़ रहे हैं, तो मसल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है ना। मसल दौड़ रहा है, मसल काम कर रहा है, तो मसल को ऑक्सीजन चाहिए उस वक्त। तो ऑक्सीजन चाहिए तो किससे मांगेगा, ब्लड से मांगेगा। क्या कहेगा ब्लड से, कहेगा अरे ब्लड तुम हमको ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। तो ब्लड को भी लगेगा नहीं मसल काम कर रहा है, बेचारे इसको दे ही दो है ना, गरीब है। तो ब्लड ऑक्सीजन दे देगा, उस वक्त क्या करेगा, उस वक्त हीमोग्लोबिन अपने पास चार चार, इसके चार चार है ना, चार चार ऑक्सीजन है, तो चार में से तीन दे देगा। किसको दे देगा, मसल को दे देगा, ले बेटा मसल तू काम कर, तू दौड़, समोसा जलेबी जीत, 1000 रुपया जीत। अब फिर से मसल कह रहा है कि नहीं हमको ज्यादा दो। अब हीमोग्लोबिन गुस्सा हो गया, अरे बेटा हमारे पास कुछ तो छोड़ो, इसका मतलब क्या है, सब थोड़े ना दे देंगे, हम मर जाएंगे। और जबरदस्ती मसल मांग रहा है, तो जाके लंग से बोल रहा है हीमोग्लोबिन कि देखो यार ये मसल तो जबरदस्ती मांग रहा है, हम कहां से लाएं, हम तो तीन दे चुके हैं, तो क्या करो। तो लंग्स क्या करता है कि हीमोग्लोबिन से कहता है कि देखो बेटा तुम टेंशन ना लो, हम क्या करते हैं इसको हाइपर वेंटिलेट कर देते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं ताकि बहुत सारा ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर समा जाए। हाँ करो। तो इसलिए जब आप दौड़ते हो तो हांफने लगते हो, क्यों, हाइपर वेंटिलेट करते हो ताकि आपकी बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन जा सके, बट इतना भी ऑक्सीजन नहीं होता है कि मसल को मिल पाए, और मसल के जो सेल्स होते हैं उनको बिना ऑक्सीजन का काम करना पड़ता है, और बिना ऑक्सीजन के जो काम करे उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन है ना, और उसमें लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है आपके मसल में। रुपया तो जीत जाते हो 1000 रुपया है ना, लड्डू और समोसा तो खा लेते हो, पर शाम को जाते हो तो आपके दर्द पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बिकॉज देयर लैक्टिक एसिड इज डिपॉजिट इनसाइड द मसल। तो मम्मी से बहन से कहते हो कि देखो 1000 रुपया मिला है, 100 रुपया तुम्हारा, पैर दबाओ। तो जैसे ही कोई पैर दबाएगा तो दिस लैक्टिक एसिड इज माइग्रेट इनसाइड योर लिवर थ्रू द ब्लड, और लिवर के अंदर यही लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में बदल जाएगा, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड कोरी साइकिल। इसे हम कहते हैं कोरी साइकिल, इसको कहते हैं कोरी साइकिल, मसल फटीग का ये कारण है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन पॉलीचीट एग्जाम्पल नेरिस वगैरह, पैरापोडिया रेस्पिरेटरी एंड लोकोमोटरी ऑर्गन। पैरापोडिया रेस्पिरेटरी, पैरा मतलब चार पैर होते हैं। स्कॉर्पियन एंड मोस्ट स्पाइडर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज बुक लंग्स। बुक लंग्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बुक लंग्स किसमें होता है, बुक लंग्स किसमें होता है, बुक लंग किसमें होता है, तो बुक लंग्स इज स्कॉर्पियन एंड मोस्ट स्पाइडर। वाइल इन एक्वेटिक एरकनाइड्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर बुक गिल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाउच गिल्स, सीरिंग्स, अभी बताया भी था कि जो बर्ड्स तरह तरह की आवाज निकालती है, हालांकि वैसे तो हम लोग भी निकाल देते हैं, तो ये सीरिंग्स है, वो कल बताया था। ये देखो बेटा स्कॉर्पियन जा रहा है, ठीक है, सांस ले रहा है, नेरिंग्स देख रहे हो, नेरिंग्स मतलब ऐसी क्लास जो तुम्हें दीवाना बना दे है ना, डेली 11 बजे मतलब तुम भागे आओगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो तब भी देख रहे हो है ना, देख रहे हो दीवानापन। डॉक्टर आके विजिट कर रहे, कह रहे हैं कि क्या देख रहे हो बे, अरे ये दो डॉक्टर इसके सिंह हम जानते हैं, ये हमारी कॉलेज से, देखो देखो कोई बात है ना, देख रहे हो। हैशटैग दीवाना ऑफ डॉक्टर इसके सिंह डोंट स्पैम, बेटा ना करो है ना, दीवाना जो है बन जाओगे देवदास। तो नेरिस समझ में आ गया, एक्स्ट्रा कुछ ऐज है जो आपको जानना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि सोते समय सांस रुक जाती है ना, दैट्स कॉल्ड स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया द सिंड्रोम द पर्सन विद द स्नॉटरिंग हैबिट सफर फ्रॉम टेम्परेरी क्लोजर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, टेम्परेरी थोड़ा सा क्लोजर हो जाता है, झटके से उठ जाता, आज तो मरी गए होते, अब इतना जल्दी थोड़े ना जाओगे, तो दैट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया।
during the sleep there is a temporary stoppage of respiratory system, क्योंकि वो snoring कर रहा है, खराटे खींच रहा है और उस वक्त थोड़ा सा रुकेगा, अचानक से खुल जाएगा उसके साथ। एक होता है pleurisis, जो pleural membrane है उनमें infection हो गया है, उसका fluid बढ़ गया है due to the mycobacterium tuberculosis. तो inflammation of pleural sac due to the infection, excessive pleural fluid. एक्सेसिव प्लूरल फ्लूड होगा तो लंग्स भारी हो जाएगा, पैर नहीं वे लंग्स, लंग्स जब भारी होगा तो सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होगी। तो इनका क्या उपाय है, इनका उपाय हम दिखाते हैं, इनका उपाय दो तरीके से करते हैं। अगर मान लीजिए कि लंग्स भारी हो गया, अब देखो तुमको प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, तो सबसे पहले चचा को बुलाएंगे और चचा को कहेंगे बेटा पीछे लेट, पीछे हो जाओ, और यहां से ऐसे लंग्स सुनेंगे, पहले लंग्स के साउंड सुनेंगे, है ना, ऊपर से नीचे तक, ऐसे ऊपर से नीचे तक लंग्स का साउंड सुनेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे पहले देख लेंगे, है ना, चेस्ट एक्सरे देख लेंगे, और चेस्ट एक्सरे देखने के बाद, चेस्ट एक्सरे देखने के बाद उसमें देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब चीज पता चल गया, एक परकसन होता है ऐसे टप 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 ठपटपा के देख लेंगे तो डलनेस आएगा, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यहां पे इनका पानी है, तो इनको ऐसे पीछे लिटा के और बड़ा सा नेडल निकालेंगे, हालांकि ये छोटा नेडल है, मेरे पास अभी बड़ा नेडल चुरा के लेके आऊंगा तो बताऊंगा, और बड़े नेडल को ऐसे पीछे से ऐसे घुसा देंगे और घुसा के पूरा इनका फ्लूड खींच लेंगे, देख रहे हो फ्लूड खींच लिया, और फ्लूड खींच के जाके इन्हें दे देंगे एग्जामिन करने के लिए, कि जाओ एग्जामिन करो, और एग्जामिन करने के बाद देखेंगे कि इनमें क्या इन्फेक्शन है। मैंने बहुत किया है ऐसा, मतलब मजा आ जाता था, मतलब पीछे अंदर घुसा के फ्लूड खींच के, खुश हो जाओ अपने जूनियर का, इधर आ देख फ्लूड खींचा है ना, मतलब अपना बस तो जूनियर पे ही चल सकता है ना, सीनियर पे तो चलेगा नहीं। एक होता है हाइपोनिया, मतलब रैपिड ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो, है ना, हाइपोनिया मतलब स्लोअर ब्लीडिंग, और डिस्पिनिया, डिस्क का मतलब पेन, सांस लेने में दर्द हो, दर्द तो मुझे पता है कि तुम्हें कब होता है, बट ठीक है, सांस लेने में दर्द हो तो दैट्स कॉल्ड डिस्पिनिया। एबनॉर्मल ब्रीदिंग ट्रैकेपनिया, ट्रैकी का मतलब इंक्रीज, है ना, जल्दी जल्दी रैपिड ब्रीदिंग करते हैं। पॉलीपनिया रैपिड डीप ब्रीदिंग, है ना, ऑर्थोपनिया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अगर सोए हो, कोई कोई बुढ़ी अम्मा कहते हैं कि बेटा हम जब लेट जाते हैं ना तो हमसे सांस नहीं लिया जाता, जब हम उठ जाते हैं तो सांस ले पाते हैं, यस दिस इज द डिजीज इन सीओपीडी, दैट इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जहां पे जब हम सोते वक्त है ना, सोते वक्त लंग्स की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, तो ये होता है हाइपर कैपनिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी एंड एल्वेलर वेंटिलेशन, टाइडल वॉल्यूम, डेड स्पेस एंड ऑल। पल्मोनरी वेंटिलेशन, द टाइडल वॉल्यूम इन टू द रेस्पिरेटरी रेट, दैट्स पल्मोनरी वेंटिलेशन। एबनॉर्मल वर्सेज थोरासिक ब्रीडिंग, एबडोमिनल वर्सेज थोरासिक ब्रीडिंग, मतलब पेट के से सांस लेना और चेस्ट से सांस लेना। ह्यूमन मेल 75% ब्रीदिंग इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, विच इज कॉल्ड एबडोमिनल, और 25% रिब्स स्टर्नम, है ना, द लेटर इट बिकम मेजर ब्रीदिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन। द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम से शुरुआत करते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस वक्त जो हम हवा ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन की तरफ जो हम करते हैं, दैट्स कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ये 500 ml का होता है, यानी जब हम मैं आराम से रिलैक्स हूँ, आप बैठे हुए हैं, तो 500 ml आप छोड़ सकते हैं और ले सकते हैं, राइट। सो द हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सिमेटली 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट। दूसरा कैपेसिटी, ये वॉल्यूम से हमेशा क्वेश्चन आता है, मतलब नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, नीट में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली। अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, मैं जबरदस्ती सांस ले लूं, तो दैट्स कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली,
और ये कितना होता है, करीब 2500 से 3000 ml का होता है, 2500 से 3000 ml का होता है, राइट। फिर आता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती हम सांस को छोड़ रहे हैं। जैसे जबरदस्ती आप सांस को छोड़ोगे तो जब ऐसे नॉर्मल छोड़ रहे हो तो दैट्स कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, है ना, बट जबरदस्ती छोड़ रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। किसी के सामने छोड़ना नहीं है कि मटेरियल बाहर निकल जाए, ठीक है। तो द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल, फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एवरेज जो है 1000 टू 1100 ml का होता है, इसको सबको याद रखना है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 से 1100 ml तक होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी कुछ हवा हमारे लंग्स में बच जाए, कुछ हवा हमारे लंग्स में इकट्ठा रह जाए, तो दैट्स कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। और ये कितना हवा रहता है, करीब 1100 से लेके 1200 ml तक हवा अंदर लंग्स के अंदर रहता है, और इससे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, और इस प्रेशर ग्रेडियंट से हम प्रॉपर तरीके से सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। इनहांस योर मार्क्स, अपने मार्क्स को इनहांस कर सकते हैं। लंग्स डू नॉट कॉलेप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आप जबरदस्ती सांस को छोड़ रहे हो, इससे भी आपका लंग्स कभी कोलैप्स नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका लंग्स कभी कोलैप्स नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। द रेजिडुअल वॉल्यूम आर देयर, तो रेजिडुअल वॉल्यूम के कारण लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होता है। इट कैनॉट मेजर बाय स्पायरोमेट्री। लास्ट क्लास में मैंने स्पायरोमेट्री के बारे में आपको बताया था कि लंग्स के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए स्पायरोमेट्री का उपयोग करते हैं, बट जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो इकट्ठा वॉल्यूम है, आप उसे मेजर कभी कर नहीं पाओगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो आप स्पायरोमीटरी से मेजर नहीं कर पाओगे, एंड दैट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड रिजर्व वॉल्यूम, दैट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड रिजर्व वॉल्यूम। अब हम आते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के ऊपर, और इससे नीट में आजकल का ये बहुत ही प्रभावशाली क्वेश्चन बना हुआ है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जैसे मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया और इसके बाद में कितनी हवा को ले पाऊं, तो टीवी प्लस आईआरवी इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। टीवी 500 ml होता है, है ना। आईआरवी कितना होता है, ये देखो यहां से निकाल सकते हो। आईआरवी कितना होता है, 2500 से 3000, ठीक है। दिस इज आईआरवी। तो लोअर वॉल्यूम लेते हैं, है ना। तो 2500 ले लिया तो टोटल कितना हो गया, 3000 ml। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल में सांस ले रहा हूं, है ना, और कितना हवा जबरदस्ती छोड़ सकता हूं, तो टीवी प्लस ईआरवी इसको आपको ध्यान में रखना है। टीवी प्लस ईआरवी। नाउ वी हैव अ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी हवा रहती है, दैट्स कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बट अगर मैं जबरदस्ती सांस को छोड़ दूं, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करूं, उसके बाद कितनी हवा रहती है, दैट्स कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड दिस वन इज अ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। दोनों में अंतर है बेटा, यही इसी अंतर का, इसी उलझन का फायदा उठा लेते हैं नीट वाले। तो दैट इज कॉल्ड ईआरवी प्लस आरवी इसका आंसर होगा। एंड नाउ द वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। दे इंक्लूड द ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो दिस इज अ डेफिनेशन, दिस इज अ जस्ट डेफिनेशन। नाउ द टोटल लंग कैपेसिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा।
आरवी, ईआरवी, टीवी एंड ईआरवी और वीसी प्लस आरवी, टोटल लंग कैपेसिटी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सचेंज कैसे होता है? अब आपको भली भांति पता है कि एक्सचेंज कैसे होता है, तो एक्सचेंज को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक ब्लैक बैकग्राउंड पर लिए चलूंगा और वहां पर एक्सचेंज समझाऊंगा. आपको पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझना है तो इसे समझने का दो तरीका हो सकता है. पहला तरीका कंडक्टिंग पाथवे. और दूसरा तरीका जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज पाथवे और या एक्सचेंज पाथवे. कंडक्टिंग पाथवे का मतलब होता है कि एयर वहां से कंडक्शन होगा, एयर का कंडक्शन होगा. जैसे कंडक्टिंग पाथवे में क्या होगा, हमारे नोस्ट्रल से हवा आएगी, ठीक है. नोस्ट्रल से हवा आने के बाद फैरिंग्स में जाएंगी. फैरिंग्स मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया है. मुंह वाले को हम ओरोफैरिंग्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड ओरोफैरिंग्स. फिर नेसोफैरिंग्स, फिर लरिंगोफैरिंग्स. ठीक है, फैरिंग्स में गया. फिर फैरिंग्स के बाद बताओ ट्राकिया के अंदर गया. ठीक है, ट्राकिया के बाद ट्राकिया बाइफर्केट हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकस और फिर उसके बाद ब्रोंकियाई. राइट, सो दिस इज अ कंडक्टिंग पाथवे. एक्चुअली यहां से एयर जस्ट आ रहा है ना. यहां पे एक्सचेंज बहुत कम होता है ना. एक्सचेंज बहुत कम होता है, ना के बराबर, बहुत ही माइन्यूट. क्योंकि ऑब्वियस है कि ये भी तो सेलिंग है ना, तो थोड़ा बहुत ये एक्सचेंज कर पाते हैं, बट बहुत ही मिनिमम, ना के बराबर है. जो एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई के पास होता है. तो दिस इज अ एल्वोलाई और इस एल्वोलाई के पास एयर है. इस एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर है. डिपेंड करता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं. और इसके चारों तरफ क्या है कि ब्लड वेसल्स हैं. राइट, इसके चारों तरफ क्या है ब्लड वेसल्स हैं. अब आपको पता है कि ब्लड के अंदर आरबीसी होता है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को प्यार करता है तो टप से खींच लेगा. ठीक है, तो यहां पे एक्सचेंज होता है. तो एक्सचेंज का साइट जो है एल्वोलाई है. क्यों? क्योंकि दे आर हाईली वैस्कुलर एरिया और यहां पे एक्सचेंज हो पाता है. अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे स्लाइड के तरफ आपको लिए चलें तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि अब तो हमें ये पता चल गया कि अब ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन हमें अब मिल गया है ना. ऑक्सीजन बहुत सारा चीज है. राइट, अब दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दे आर कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं. मान लीजिए कि एक हमारा गरीब टिश्यू है. दिस इज अ टिश्यू जो बहुत गरीब है. क्योंकि गरीब इसलिए है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है. ये बेचारा मुंह बना के ब्लड वेसल से मांगेगा कि भैया ब्लड वेसल थोड़ा सा हमको ऑक्सीजन दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, ईश्वर अल्लाह के नाम पे दे दो. बट दो ब्लड वेसल बहुत दयालु है, मेरे जैसे ब्लड वेसल बहुत दयालु है. वो कहता कि चलो इस गरीब का भला हो जाए, है ना, एक ऑक्सीजन दे ही देते हैं, ये भी क्या याद करेगा. तो ये ऑक्सीजन इसको दे देता है और जैसे ही ऑक्सीजन देता है ब्लड वेसल बिकम द टिश्यू द टिश्यू बिकम हैप्पी
टिश्यू हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाते हैं, वाव ऑक्सीजन आया, वाव ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन यहां से डिलीवर हो जाता है। अब ये टिश्यू या सेल कुछ भी हो सकता है, टिश्यू और सेल अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, उसको ऑक्सीजन ही चाहिए, एंड दिस टिश्यू एंड सेल स्टार्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना शुरू करेगा, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना शुरू करेगा, और इसके अंदर से, अरे पेन गिर रहा है मेरा यार, हंस रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना शुरू करेगा, और जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना शुरू करेगा तो इससे क्या बनेगा, हाँ जी कमेंट करके भर दो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से क्या बनेगा, हाँ जी, अगर मैगी जिसने लिखा बेटा कूट के फेंकेंगे, जल्दी बताओ, प्रेतु प्रिंसी सुस्मिता मानसी मानसी न्यू एस्पिरेंट आध्या यस कृष्णा बताओ बेटा, दीपक रुचि है ना, टेलीग्राम पर हो इसके सर, हाँ हाँ हाँ, आप अपने बतिया लो कि तुम्हारी शादी हुई है नहीं हुई है, कहाँ रहते हो, फोन नंबर दे दो, अबे शर्म कब आएगी तुम लोगों को, हद होती है मतलब। तो यहाँ पे CO2 फिर से भेज देगा, CO2 भेज देगा, राइट वेरी गुड, CO2 फिर भेज देगा कि CO2 ले जाओ भैया, हम CO2 हम तुमको दे दिए। अब कुछ पोर्शन ऑफ ब्लड वेसल बिकम अ डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, तो ये सिलसिला प्यार का चलता रहता है, ये थमना नहीं चाहिए, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तरफ चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तरफ चलते रहते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आइए समझिए जरा, तो एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपको पता चल गया, यस एंड नो, पता चल गया ना आपको, एल्वेलाई क्यों होता है, क्योंकि ब्लड वेसल वहां होता है, एंड दे अगर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में आपने संबंध देखा, टिश्यू बेचारा दुखी आत्मा है, ब्लड बेचारा दयालु है, दे देता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय द सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया से ऐसा होता है, एंड दे आर बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर बहुत ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो प्रेशर कम है, इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा से कम में चीजें जाती है, ज्यादा से कम में चीजें जाती हैं, ज्यादा से कम में चीजें जाती हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा तुम लोग अपने दोस्त पड़ोसी को बताते हो कि डेली 11 बजे डॉक्टर एस के सिंह की क्लास होती है, सही से दिल पे हाथ रख के बताना, अगर तुमने झूठ बोला तो देख लेना, दिल धड़केगा नहीं तुम्हारा, अबे बताया करो यार, हद होती है, डेली 11 बजे, हाँ जी डेली 11 बजे यूट्यूब पे, बनना है डॉक्टर तो डेली 11 बजे यूट्यूब पे, ठीक है डेली 11 बजे यूट्यूब पे, और साथ में ये भी बताओ कि डेली, अच्छा आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, अनअकैडमी के ऊपर आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कितने बजे, 8 बजे एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम होगा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला चैप्टर, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड मारो, और इस फ्री क्लासेस में जुड़ने के लिए आपको कोड पूछा जाएगा, कोड बेटा डॉक्टर एस के सिंह, हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप के साथ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अनअकैडमी, हर जगह एक ही कोड डॉक्टर एस के सिंह, एक कोड लगा के फ्री में जुड़ जाना, ठीक है फ्री में जुड़ जाना, जितने लोग नहीं लिख रहे हैं बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं, अबे शर्म नहीं आती, ऐसे भारत का उत्थान करोगे तुम, हाँ ऐसे डॉक्टर बनोगे बे, गरीब को डॉक्टर बनाओ, अमीर को तो हर कोई बनाता है, गरीब को बना के दिखाओ तब तो मजा आएगा, शेयर मारो बेटा शेयर मारो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन टेक्निक, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रेशर इनसाइड द टिश्यू, द प्रेशर इज हायर इन, प्रेशर इज हायर इन ब्लड वेसल्स, सो हायर से लोअर में ट्रांसफर होता है, एंड दिस ड्यू टू द
प्रेशर ग्रेडियंट, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट. यस डॉक्टर एसके सिंह. सो प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैसेस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो अगर ये सारे लोग इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करें तो दैट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. एंड दिस रिप्रेजेंटेड बाय द PO2 फॉर द ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन एटमोस्फियर, एटमोस्फेरिक एयर एंड एल्वेलाई एंड टिश्यू आर 159. कहां पे होता है बेटा? एटमोस्फेयर में. 104 कहां होता है? एल्वेलाई में. और 40 कहां होता है? टिश्यू में. ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो एटमोस्फेयर में कितना होता है, एटमोस्फेयर में कहां कितना होता है, हाँ जी, एटमोस्फेयर में कहां कितना होता है, बोले बोले बोले, हाँ जी, एटमोस्फेयर में कितना होता है, एटमोस्फेयर में कितना होता है, 159 है ना, और इसमें कितना होता है, एयर में कितना होता है, सॉरी एल्वेलाई में कितना होता है, 104, और टिश्यू में कितना होता है, 40. टिश्यू में कितना होता है, 40. वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. अब देखिए जरा, वाइल दैट कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी याद कर लीजिए लगे हाथ. कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर इज 0.3 mmHg. एयर एटमोस्फेरिक एयर में 0.3 mmHg. एल्वेलाई में कितना होता है, 40, और टिश्यू में होता है 45. ठीक है जी, टिश्यू में होता है 45. समझ में आ गया? यस. सो दैट्स इंश्योरिंग द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर टू एल्वेलाई टू द टिश्यू एंड अपोजिट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. तो दस इंश्योरिंग फ्लो ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फेयर टू द एल्वेलाई टू द टिश्यू अपोजिट टू द एल्वेलाई. और ये प्रेशर डिफरेंस के वजह से ही, इस प्रेशर डिफरेंस के वजह से ही हम लोग एक्सचेंज समझ पाते हैं, है ना, एक्सचेंज हो पाता है. तो इस सेंटेंस से काफी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन यही है. ठीक है, यही है. द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20-25 times हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. घुलनशील जो होता है, जैसे कोई कोई व्यक्ति होता है ना, मिलनसार होता है, तुम बात भी नहीं करना चाहोगे तब भी वो बात कर लेगा, तो मिलनसार व्यक्ति है. और हम ऐसे लोग हैं, हम जैसे लोग कि कोने में बैठे रहेंगे, मन तो करेगा जाके बात कर लें, बट बात ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द सोलिबिलिटी, मिलनसार वाला नेचर नहीं है, मिल नहीं पाते हैं, है ना. कोई कोई व्यक्ति आके तुमसे, तुम चाहोगे भी नहीं, हाय 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 मतलब मैसेज करता रहेगा, तुम्हें मजबूरन बात करना पड़ेगा, चलो बात कर लेते हैं बेचारे से, है ना. तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी सोलिबिलिटी ऑक्सीजन से भी जाता है, ब्लड में जल्दी घुल जाता है. ठीक है, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आएगा आता रहेगा. सो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट ड्यू टू द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन. और ये घुलनशील क्यों है, क्योंकि इसके पार्शियल प्रेशर के वजह से ऐसा घुलनशील बन रहा है. ठीक है, पार्शियल प्रेशर के वजह से होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक नीट 2011 में क्वेश्चन आया है इस स्लाइड से. द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन. अब जैसे मान लीजिए कि एल्वेलाई में, ये एल्वेलाई है, ये थिकनिंग है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, तो देख रहे हैं यहाँ पे थिकनेस, ये थिकनेस, ये ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफ्यूजन ही तो होता है. डिफ्यूजन का मतलब समझ रहे हो कि अपने आप ऑक्सीजन इसके अंदर आना, है ना, दैट्स अ डिफ्यूजन. तो ये थिकनेस मोटा नहीं होना चाहिए, है ना. तो देखिए, द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन मिलीमीटर और दे हैव अ थ्री लेयर द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई. एल्वेलाई का थिन स्क्वामस एपिथेलियम,
एंडोथीलियम ऑफ द एल्वोलर कैपिलरी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स के जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके नीचे एंडोथीलियल सेल्स होता है। समझ में आ रही बात? ये देखिए, ये सारे हमारे कौन से सेल्स हैं? एंडोथीसियम। बीच बीच में थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ये गैप नजर आ रहा है, देख रहे हैं? तो इस माइन्यूट गैप से ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा मटीरियल है ना, एक्स्ट्रा आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट को छोड़ के, इसी गैप से बाहर निकल जाता है और यही फिल्टरेशन कराता है, इसी से लिम्फ बनता है। ठीक है, तो पहला लेयर क्या हुआ? एल्वोलाई का लेयर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थिन स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा लेयर यहां पे ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल का एंडोथीलियम, और इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेन, तेरे मेरे बीच में कैसा है यह बंधन अनजाना, जब तुम पता ही नहीं है कौन सा बंधन है, फिर गाने की क्या जरूरत है बे, कंफ्यूज ही आए रहते हैं मतलब लोग। तो तीन चीजें समझ में आ रही बात, एल्वुलर मेम्ब्रेन का थिन स्क्वामस एपिथेलियम, ब्लड वेसल का एंडोथीलियम, और इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन अबव टू लेयर। सो देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई टू द टिश्यू देन CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू एल्वुलाई। तो टिश्यू से एल्वुलाई में क्या जाएगा? CO2 जाएगा, और एल्वुलाई से टिश्यू में क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? राइट, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये देखिए, यही डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ये एल्वुलाई का स्क्वामस एपिथेलियम है, देख पा रहे हैं आप? इस एल्वुलाई का स्क्वामस एपिथेलियम है, ये ब्लड का एंडोथीसियम है, बनाया था ना ये ब्लड का एंडोथीसियम है, देख पा रहे हैं आप? इस ब्लड का एंडोथीलियम मेम्ब्रेन, बैक करके देख लेते हैं, ये देखिए, ये ब्लड का एंडोथीलियम है, ये ब्लड का एंडोथीलियम है, ये स्क्वामस एपिथीलियम है एल्वुलाई का, और इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो जो ऑक्सीजन है यहां पे टप से आरबीसी खींच लेगा, ये ऑक्सीजन है टप से आरबीसी खींच लेगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? हां जी, अरे बोलो बोलो, एनडीएस अमन आराध्या दीवाना ऑफ डॉक्टर एस के सिंह, न्यू एस्पिरेंट जाहिल खान, मानसी आतिक अफरीन, वेट, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा बेटा, जहां क्रॉस बना है ना, क्रॉस पे बटन दबाओ और लाइक ठोको, शर्म नहीं आ रही है? कितने लोग देख रहे हैं और लाइक इतना कम आ रहा है बे, मनोबल बढ़ाओ हमारा, ठीक है, लाइक मारो। सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बिफोर दिस डायग्राम ये देखिए जरा, ये मैजिक देखिए, जब ये ब्लड घूमता है, ब्लड जाता है, तो ये आरबीसी देख पा रहे हैं, आरबीसी अपने मुद्दे पर जाता है, ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, ऑक्सीजन आया, जैसे व्हाइट वाला ऑक्सीजन है, ब्लू वाला कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बंबल्स होते रहते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, यहां देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। मानसी, कब कह रही हूं सर, कोई लाइक ही नहीं करता, शर्म ही नहीं आती। हाँ बेटा, मानसी के लिए लाइक कम से कम कर लो, हमारे लिए तो करते नहीं हो, है ना, कर लो। यहां देखो, तो दिस इज कॉल्ड एल्वुलाई, ये एल्वुलाई है, देख पा रहे हैं आप, एल्वुलाई है। अब आपने सांस लिया, सांस लो लिया, तो सांस जैसे लिया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपके यहां पे एल्वुलाई में 104 है। अभी हमें ऑक्सीजन की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर 104 है। अब यही 104 इस ब्लड में आएगा, तो दैट्स कॉल्ड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यहां पे क्या है? एक्सेप्शन है,
This is called exception. Vein, they carry oxygenated blood. आपको पता होना चाहिए कि vein always carry deoxygenated blood. यहां पे क्या है बेटा, एक्सेप्शन है. पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां हार्ट में ड्रेन हुआ, दिस इज अ लेफ्ट एट्रिया, फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पे आर्च ऑफ आयोटा से पूरी बॉडी में जाना शुरू किया, एंड दैट्स कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. जब यहां पे ब्लड आया तो टिश्यू बेचारे मुंह बना के बैठे हुए हैं कि हमको दे दो क्या, ऑक्सीजन. तो इस ब्लड बहुत दयालु है, ऑक्सीजन दे दिया. अब ऑक्सीजन जैसे टिश्यू को दिया तो वहां ऑक्सीजन जो है 95 के अराउंड है. अब ऑक्सीजन जैसे ही दिया तो इस टिश्यू ने काम करना शुरू किया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू किया. एट दैट टाइम पर ऑक्सीजन 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में ज्यादा है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसका मतलब है कि इसमें कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलने का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स ऑल. हालांकि थोड़ा बहुत है ही है, देख रहे हैं थोड़ा बहुत तो है ही है ऑक्सीजन. अब ये ड्रेन होगा इन्फीरियर वेनिकावा से सीधा हार्ट में, एंड दिस इज कॉल्ड राइट एट्रिया, फिर राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर से ये CO2 यहां जाएगा. यहां पे 40 पार्शियल प्रेशर हुआ, जब आप सांस छोड़ोगे तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा. तो ब्लड इज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ब्लड एक मीडियम है जहां से हम गैसियस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. अच्छा, आप सब अनअकैडमी के ऊपर भी रेगुलर रहिए, क्योंकि अनअकैडमी के ऊपर मैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे पढ़ाता हूँ. पहले मैं यहाँ पे आपको थ्योरी डिस्कस करता हूँ और फिर उसके बाद MCQ प्रैक्टिस कराता हूँ. तो ये बहुत ही कमाल का सीरीज, छोटा छोटा सीरीज हम लोग चलाते हैं अनअकैडमी के ऊपर, है ना. तो अनअकैडमी के ऊपर आप रेगुलर आते रहिए, आपका बायो इंप्रूव होगा, ये मेरा दावा है. और जब भी आएंगे तो एक इनवाइट कोड होता है, इनवाइट कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगा दीजिएगा, जिससे आप फ्री में आप इस क्लास का आनंद उठा पाएंगे, राइट. सो अनअकैडमी पे आना बहुत ही अनिवार्य है ताकि आप अपने और सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सके, बेहतर बना सके, राइट. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो होता है मेनली ब्लड के थ्रू होता है. ब्लड इज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, चाहे वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो, ब्लड ही एक मीडियम होता है. एंड अबाउट 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द RBC. आपको पता है कि RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एंड दिस हीमोग्लोबिन हैज कैपेबिलिटी टू कैप्चर द ऑक्सीजन. तो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट RBC के थ्रू होता है. रिमेनिंग 3% जो बचा हुआ ऑक्सीजन है, दे आर कैरीड इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, वो प्लाज्मा के थ्रू होता है. तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 97% हीमोग्लोबिन डायरेक्टली और 3% ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके थ्रू होता है. ये हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे. Nearly 20-25% of CO2 is transported by RBC, but the majority of CO2 is transferred by the bicarbonate. तो अगर हम यहाँ पे CO2 लिखें तो bicarbonate में करीब 70% और 30% जो है हमारे RBC भी 30% करते हैं, ठीक है. तो ये मोटा मोटी डाटा है 30% जो आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, और प्लाज्मा के थ्रू भी
ये हो पाता है, प्लाज्मा के थ्रू भी ये हो पाता है. सो देयर इज अ मैकेनिज्म हाउ द दिस एक्सचेंज टेक प्लेस. जब ये ब्लड ट्रैवल करता है, ब्लड जब जाता है, तो दिस वन इज अ टिश्यू. ये टिश्यू है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टिश्यू है, है ना, ये टिश्यू है. और टिश्यू से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है टिश्यू को मिल जाएगा. तो दिस वाइट स्ट्रक्चर इज द ऑक्सीजन, जो कि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को. तो ये ऑक्सीजन टिश्यू को दे देगा और टिश्यू टिश्यू क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में दे देगा. सो एल्वोलाई आर द लाइन विद द वेरी स्मॉल ब्लड वैसल, क्योंकि एल्वोलाई हमारे जो होते हैं हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं. द ब्लड वैसल आर मोर अबंडेंट, सो दे आर हाईली वैस्कुलर, हाईली वैस्कुलर होते हैं, हाईली वैस्कुलर होते हैं. एंड ब्लड वैसल्स आर मोर अबंडेंट, ब्लड वैसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे एक्सचेंज होना बहुत आराम से हो पाता है. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को बहुत अगर छोटे लेवल पर समझने का प्रयास करें तो कैसे हम समझ पाएंगे, आइए. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है मेनली एल्वोलाई के अंदर होता है. तो दिस वन इज अ एल्वोलाई जो कि प्राइमरी साइट है. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, राइट, गैसियस एक्सचेंज. दिस इज अ प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. ये प्राइमरी साइट है एल्वोलाई गैसियस एक्सचेंज का. इसके पीछे बड़ा कारण क्या है कि इस एल्वोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट. सो दिस इज अ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स अगर कहीं पे भी हो तो इसका मतलब होता है दे आर हाईली वैस्कुलाइज्ड, हाईली वैस्कुलाइज्ड होते हैं, ठीक है, दे आर हाईली वैस्कुलाइज्ड. और यू नो वेरी वेल दिस ब्लड वेसल हैविंग द आरबीसी, और आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो होगा, हीमोग्लोबिन यहाँ पे चारों तरफ इस ब्लड वेसल में हीमोग्लोबिन होंगे, और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, है ना. दिस इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैपिंग द ऑक्सीजन, है ना, ये सारा ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, ठीक है. तो यहां से ऑक्सीजन ट्रैप होता है, एल्वोलाई से ऑक्सीजन ट्रैप होता है. एंड दिस ऑक्सीजन इज ट्रेवल थ्रू द ब्लड वेसल्स. ये ऑक्सीजन जो होता है हमारे ब्लड वेसल्स से ट्रैवल करेगा. तो मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन ट्रैवल करता है, बिकॉज दे आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज हायर और इंक्रीज देन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा अगर होती है उस ब्लड में तो दे आर कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दूसरे एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, क्योंकि बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है ना, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि देखिए इसमें ऑक्सीजन तो होता है, ऐसा नहीं है कि डी ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन तो होगा, बट द कार्बन डाइऑक्साइड द अमाउंट ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, राइट. तो ऑक्सीजन की मात्रा से ज्यादा क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना, ऑक्सीजन से ज्यादा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, इसलिए इसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, राइट. आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये आगे जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तब हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल पाएगा. तो अब अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहां पे कोई टिश्यू है ना, टिश्यू बेचारा गरीब होता है, लाचार होता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा काम करना होता है. जैसे हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं तो अपने आप को लाचार और गरीब मानते हैं, है ना, क्योंकि हमारी ऐसी मेंटालिटी है. मैं, अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, तो मैं
काम जो है करीब करीब 12 से 14 घंटा करता हूँ, ठीक है। फिर मैं खुश रहता हूँ कि चलो मेरा जन्म जो है इस धरती पे हुआ काम करने के लिए ना, आराम करने के लिए तो हुआ नहीं है, तो काम करना चाहिए, इंसान काम करेगा तो अच्छा लगेगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये है, और यहाँ पे ये जो टिश्यू है, दिस इज द टिश्यू, तो टिश्यू के पास ऑक्सीजन की कमी है, तो ये ब्लड से मांगेगा कि दे दो यार, है ना, एक तो दे दो भगवान के नाम पे, तो इसको दया आ जाती है और ये एक ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है, एंड नाउ द टिश्यू विल बी हैप्पी। ये टिश्यू हैप्पी हो जाता है, टिश्यू के अंदर कैटाबोलिज्म चलता रहता है, सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, एंड नाउ द CO2 इज डिलीवर इनटू द दिस ब्लड वेसल। CO2 इस ब्लड वेसल में डिलीवर कर देगा, तो बार बार CO2 में ब्लड वो होगा। सर लाइव है ना, दीवाना और डॉक्टर इसके संग, यस इट्स लाइव। एक्चुअली हमने सोचा है कि पूरी वीक में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो संडे को रिवाइज कर सकते हैं, एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो आई होप कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा लगा, मतलब सबको मैंने जोड़ के एक वीडियो बनाई है, बड़ी मेहनत की थी, कैसा लगा था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम 4 घंटे के अंदर। अब हम कुछ और अच्छा करना चाहते हैं कि और उसे रिफाइन करके और थोड़ा सा ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं, ताकि आप सब संडे को रिवाइज कर पाए, है ना, संडे को रिवाइज कर पाए, ठीक है। लाइक करो बेटा, कृति, सुमित, माँ, भाई साहब, हेलो रश्मि, कविता, विशाल, सुमित, मस्त, अफरीन, दीवाना ऑफ डॉक्टर एसके सिंह, सुमित, अफरीन, डॉक्टर श्रुति, यस, भावना, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो ये आपने समझ लिया प्रोसेस, तो ये पूरा वही है कि ट्रांसफर कैसे होता है। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर बिकॉज दे हैव आयरन कंटेनिंग हीम पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। आरबीसी के अंदर आयरन पिगमेंट होते हैं। लाइक ठोको बेटा, लाइक ठोको, लाइक, है ना। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन विद द रिवर्सिबल मैनर टू द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है, मतलब उसकी बाइंडिंग जो होती है रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब कि फिर से उसे जरूरत पड़ेगी तो वो मतलब टूट सकता है, ले सकता है या कुछ हो सकता है। तो देयर इज जस्ट अ फिजिकल एसोसिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एसोसिएशन बोलते हैं। एक फिजिकल एसोसिएशन ही है हीमोग्लोबिन और आरबीसी का, एक जस्ट फिजिकल एसोसिएशन है, राइट, दे आर कॉल्ड फिजिकल एसोसिएशन। और इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, इसको याद रखिएगा। तो देयर इज अ बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पे नहीं होता है, राइट। सो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, ना, 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, और मतलब एक डिलीवर करता है टिश्यू को और 3 अपने पास ही रखता है, 3 अपने पास ही रखता है। अगर बहुत ज्यादा टिश्यू काम करे, एक्सटर्नल एक्सरसाइज करे, तो उस वक्त वो 3 डिलीवर कर देता है, 1 अपने पास रखता है। तो इसे परसेंटेज में भी कर सकते हैं कि नॉर्मल स्टेट मतलब कुछ नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल स्टेट में क्या हो रहा है, नॉर्मल स्टेट में अपने पास 75 रखता है और टिश्यू को डिलीवर करता है 25%, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, तो उस वक्त ये 75% डिलीवर करेगा टिश्यू को, है ना, टिश्यू को डिलीवर कर देगा और 25% अपने को रखेगा, ऐसे आप जान सकते हैं। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज ए प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन देयर इज इनसाइड द टिश्यू इनसाइड द लंग्स एंड दे फॉर्म अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज अ ब्राइट रेड कलर। इसलिए हमारा कलर ब्राइट रेड होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, दे आर ब्राइट रेड कलर, राइट। विकास, शिवम, शिवानी, अफरीन, विकास, चलिए फटाफट सेशन को लाइक करो बेटा। द सिग्मॉइड कर्व, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जब हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का अगर इनके बीच में प्लॉट करें, है ना, ग्राफ प्लॉट करें,
तो इनके बीच में जो बॉन्ड आता है, इनके बीच में जो बॉन्ड आता है उसको क्या कहते हैं हम, सिग्मोइड कर्व कहते हैं, दे आर कॉल्ड सिग्मोइड कर्व, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, इसको क्या बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। इतना अगर पता चल जाएगा तो अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, डॉक्टर वही बनेगा जो डॉक्टर एसके सिंह से पढ़ेगा। भाई साहब क्या बात है, लाइक ठोको इसी बात पे। और 40 लोगों ने लाइक ठोका है वे, मतलब शर्म कब आएगी तुम लोगों को भाई, हैं कब आएगी शर्म, तब लाइक ठोको, बहुत बढ़िया। तो सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, लेट्स सपोज वी हियर इज द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एंड देयर इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड सिग्मोइड ग्राफ। बहुत पहले जब हम लोग नीट की प्रिपरेशन करते थे, इतना भी पहले नहीं मतलब, हाँ ठीक है, तो इसमें पूछा जाता था कि लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, राइट शिफ्ट कब होगा, बट उसके बाद 5 साल बाद, 5 साल पहले अगर हम इसे एनालाइज करें तो इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे ही नहीं जाते हैं, पूछे ही नहीं जाते हैं। तो हम राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है ना, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हमें वही पढ़ना चाहिए जो रेलेवेंट हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एंड दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। लुक ओवर हियर, दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हम आगे देखेंगे कैसे कौन कौन से कंडीशन है एल्वोलाई के अंदर, ऐसे कौन से कंडीशन है टिश्यू के अंदर जो कि ये सारा घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है, सारी घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है। चले, सो द कर्व शो दैट देयर इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद इन द इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अप टू द लेवल व्हेन इट बिकम कांस्टेंट, दैट इज 30% सैचुरेशन 20 mmHg एंड 75% सैचुरेशन 40%, ये डाटा है। इसको कैसे आप समझेंगे, देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर में, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में, बेटा लिखो मत यहाँ पे, 135 लाइक हो गया, क्या बात है मनदीप कुमार से। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ये किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। अगर हम मैदानी जगह पे रहते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो एक नॉर्मल अवस्था में रहेगा। जब हम मैदानी जगह से हिली एरिया पर ट्रैवल करने लगते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होने लगता है, ठीक है। बट लोग जाके पहाड़ों पे लंबे सांस लेते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे फुल ऑक्सीजन है, बट है नहीं ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि उन्होंने बायो डॉक्टर एसके सिंह से नहीं पढ़े है ना। तो जब हम हिली एरिया पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होने लगता है। जब ऑक्सीजन कम होने लगता है एटमॉस्फेयर में और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है जिसे हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमारे टिश्यू को, हमारे ब्रेन को, किडनी को, इंटेस्टाइन को, दे ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है ही नहीं, कम है, तो हमारे शरीर को लगता है कि यार हमारे अंदर कमी है। देख लो शरीर कितना बढ़िया इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो टीचर की गलती है, ना ना ना, है ना, शरीर को लगता है कि हमारी गलती है, हमारे अंदर हो सकता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हमारा शरीर हीमोग्लोबिन बनाने लगता है, ठीक है। एंड दैट्स प्रक्रिया इज कॉल्ड एराइथ्रोपोइसिस, एराइथ्रोपोइसिस। सो व्हेन वी असेंड अप द हिली एरियाज दे हैव अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट लो, सो इन दिस मैकेनिज्म विद द कॉप ऑफ द बॉडी बॉडी सिंथेसाइज द हीमोग्लोबिन RBCs एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एराइथ्रोपोइसिस। एंड फॉर दिस प्रोसेस द बोन मैरो, अपार्ट फ्रॉम द बोन मैरो द किडनी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अब क्वेश्चन आता है कि एराइथ्रोपोइसिस का मेन साइट क्या है, तो नॉर्मली जब हम मैदानी जगह पर रह रहे हैं तो एराइथ्रोपोइसिस का साइट जो होता है बोन मैरो होता है। जब हम हिली एरिया पे जाने लगते हैं तो बोन मैरो को लगता है कि हम तो रोज ही बनाते हैं, हम तो रोज ही बनाते हैं, अब हम नहीं बनाएंगे, अब किडनी बनाए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक लड़की है और शादीशुदा लड़की है, वो अपने ससुराल में है, ससुर जी को खाना बना रही है, अपने हस्बैंड को खाना बना के दे रही है, रेगुलर 6 महीने तक खाना बना रही है, पोछा झाड़ू ओढ़ू, और वो अपने मायके आई है,
मायके आई है तो उसको लगता है कि अब हम रेस्ट करेंगे, अब हम काम नहीं करें, मेरी छोटी बहन काम करे, माता जी काम करे, हम नहीं काम करें। सेम बोन मैरो भी यही करता है ना। तो उस प्रक्रिया में बोन मैरो थोड़ा सा मतलब कहता है चलो ठीक है किडनी को दे देते हैं, किडनी काम करेगा, है ना। सो दैट्स कॉल्ड एराइथ्रोपोइसिस। तो इसको रेगुलेट यही होता है कि जब भी पार्सल प्रेशर कम और ज्यादा होता है तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ने और घटने लगता है। सो द नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मॉइड कर्व, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इससे आप काम चला सकते। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे नीट में क्वेश्चन आएगा, जोर से चिल्ला के बोलो इसमें नीट से क्वेश्चन आएगा। कविता यादव न्यू एस्पिरेंट, दिव्यांशी दीवाना ऑफ डॉक्टर एस के सिंह, विकास मानसी वेरी गुड, लाइक ठोको बेटा इससे क्वेश्चन आएगा, वेरी गुड। सर की मैम बेटा कूट के फेंक देंगे तुमको, रुक जाओ। अब हम बात करते हैं इन एल्वोलाई के अंदर हम बात करें, ये मान लीजिए एल्वोलाई है, इन एल्वोलाई वेयर देयर इज अ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको याद नहीं करना है, फिजियोलॉजी को तुमने याद किया तो जिंदगी में क्या किया, समझ रहे हो, फिजियोलॉजी को तुमने याद किया तो जिंदगी में क्या किया, कुछ नहीं किया। फिजियोलॉजी को बिल्कुल याद नहीं करना, समझना है। अब एल्वोलाई में आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, काहे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है ना। बाकी एक अगर ज्यादा हो जाए तो सारा कम हो जाता है, H प्लस आयन कम हो जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, है टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, एक बस ज्यादा होने पर सारा कम होगा। सो दिस फैक्टर इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, द हीमोग्लोबिन इज अटैच्ड विद द ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज अटैच्ड विद द ऑक्सीजन, दैट्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आ रही बात। एंड इन द टिश्यू वेयर द लो पार्शियल प्रेशर, अब टिश्यू तो गरीब है, ये तो बेचारा मांग रहा है कि हमको दे दो भगवान के नाम पे ऑक्सीजन, तो इसके अंदर ऑक्सीजन होगा क्या भाई, अरे बोलो हाँ, अफरीन कविता अमन बोलो मानसी जी, इसके अंदर ऑक्सीजन होगा क्या, नहीं होगा ना ऑक्सीजन, तो लिखो ना लो डिक्रीज अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, एक कम होगा तो बाकी ज्यादा होगा, ठीक है, बायो अच्छा लगेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री डूब जाएगा। तो ऐसा ही होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो पी इस पे हाई क्या ज्यादा होगा, हाई होगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई होगा क्या एच प्लस कंसेंट्रेशन, हाई क्या होगा टेम्परेचर हाई होगा, है ना, टेम्परेचर हाई होगा। तो एक कंडीशन जो होता है ये डिसोसिएट करा देगा, ये कहेगा कि कब तक छुपाओगी, कब तक हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से अटैच रहेगा, इसे टूटना पड़ेगा और इसके पास आना पड़ेगा, इसके पास टूटना पड़ेगा और बोलो बेटा ये टिश्यू के पास आना पड़ेगा। अभी ये सक्सेस नहीं है, अभी ये नीट का एस्पिरेंट है, दो बार से फेल हो रहा है, इसको कोई छोड़ के भाग गया है, बट जब ये डॉक्टर बनेगा, क्योंकि डॉक्टर एस के सिंह रोजाना सुबह 11 बजे पढ़ रहा है यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे सुबह 9 बजे पढ़ रहा है और शाम को 8 बजे पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन निश्चित है। जिस दिन इसका सिलेक्शन होगा इनको आना पड़ेगा किसको, वे ऑक्सीजन को, गलत सोच रहे। तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है, बाकी सब हाई है, तो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट द कंडीशन फॉर द फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दिस इज द कंडीशन, राइट। तो दिस क्लियरली इंडिकेट ऑक्सीजन गेट बाउंडेड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग्स सर्फेस एंड गेट डिसोसिएटेड टू द टिश्यू। लंग्स में तो बाइंड हो गया ऑक्सीजन, बट टिश्यू के पास जाते जाते वो डिसोसिएट हो गया, हट गया, टूट गया। 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, देख रहे हो, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सर आई अटेंड ऑल क्लास। सुष्मिता जी, बस तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगना बाकी है अगर अटेंड कर रहे हो तो। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इन द थ्री वेज, तीन तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला कार्बिनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये सारे नोट्स आपको मिल रहे होंगे, रेगुलर सबको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हाँ जी, रेगुलर मिल रहे हैं ना सबको। तो जिनको नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक इस लाइव चैट के कमेंट में है, और इस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी है। और टेलीग्राम डॉक्टर एस के सिंह टाइप भी करोगे, ये भी मिल सकता है, डॉक्टर एस के सिंह MMC। तो ये टाइप करोगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और इससे जुड़ जाओ ताकि आपको नोट्स मिलते रहे। आपको मेहनत नहीं करना है, मैंने आपके लिए मेहनत किया है। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन थ्री वेज, एज अ कार्बिनो हीमोग्लोबिन, एज अ कार्बिनो हीमोग्लोबिन, द CO2 इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन, CO2 कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन, कार्बिनो हीमोग्लोबिन इज सिर्फ 20-25% होता है। द बाइंडिंग ऑफ रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाइंडिंग पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द मेजर फैक्टर विच कुड बी इफेक्ट दिस बाइंडिंग। तो ये जो लास्ट वाला लाइन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल लाइन है। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, सोचिए जरा, सोचना है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, कहां होगा? टिश्यू के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि टिश्यू काम कर रहा है ना। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो, ऑब्वियसली काम कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं है। द ऑक्सीजन इज हाई इन द एल्वोलाई, एल्वोलाई में ज्यादा है, which dissociated the carbon dioxide from the carbino hemoglobin and they take place, the CO2 which is bound to the hemoglobin from the tissue and deliver into the alveoli। मतलब कि जो hemoglobin के साथ CO2 bind है वो alveoli में चला जाएगा, और alveoli से जब आप बाहर सांस को फेंकोगे, exhale करोगे, उससे CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हम लेने का और छोड़ने का दोनों की प्रक्रिया आपको आना चाहिए। ठीक है, So, दूसरा है कार्बिनो कार्बोनिक एसिड, 7% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इट से ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बोनिक एसिड विच इज फॉर्म बाय द डिसोसिएशन ऑफ CO2 इन द वॉटर। सो दिस रिएक्शन अकर इन RBC विच कंटेन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो क्वेश्चन आता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है? तो RBC के अंदर होता है, RBC के अंदर होता है, RBC के अंदर होता है। द लीस्ट क्वांटिटी दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बोनिक एनहाइड्रेज RBC के पास है, तो प्लाज्मा को मिलेगा भाई, है ना। हमारे लोगों की बारात जा रही है, हम लोग बचपन में क्या करते थे, तो बारात में दूल्हा घोड़ा बैठेगा, घोड़े पे बैठा, हमें उससे मतलब नहीं है। दुल्हे की मम्मी ने क्या पहना है, दुल्हे के बहन ने क्या पहना है, हमें उससे मतलब बिल्कुल नहीं है, हमें मतलब है पैसे से। तो हम इंतजार करते थे दुल्हन के मम्मी के पीछे खड़े हो जाते थे, और दुल्हा के सिस्टर के पीछे खड़े हो जाते, क्योंकि यही लोग पैसे ऐसे उठाएंगे, और जैसे पैसे फेंकेंगे पट पट उठा लो, ठीक है, पट 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 उठा कर पॉकेट में भर लो। तो हम लोग बचपन में यही करते थे। अब सब RBC ने उठा लिया, तो बताओ कोई रिलेटिव पैसा उठाना चाहे तो उसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, पैसा तो हमने भर लिया। तो यही बात है, RBC ने सबसे ज्यादा कार्बोनिक एनहाइड्रेज ले लिया, तो प्लाज्मा के पास कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना, तो इसलिए कम होता है। सिंपल वही है, द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड दिस एंजाइम फैसिलिटेटेड द फॉलोइंग रिएक्शंस इन बोथ डायरेक्शन। तो ये दोनों डायरेक्शन में होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज दे फॉर्म दिस देन दिस। खत्म खत्म। सबसे ज्यादा जी हाँ, बाइकार्बोनेट, अबाउट 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बॉडी टू द टिश्यू टू द लंग्स बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, एंड एट द टिश्यू साइड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई
due to the catabolism and CO2 is diffused into the blood, RBC plasma and form the bicarbonate and H plus ion, right? So that's all about this. At the alveolar site where the partial pressure is very low, where the reaction is proceed in opposite direction leading to formation of carbon dioxide and hemoglobin, usi ki vyakhya hai. Last wala line bahut important hai. 100 ml of deoxygenated blood deliver approx 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. 4 ml of carbon dioxide to this. The carbon carbonic anhydrase blood ke andar hota hai. Chloride shift wagera bahut pehle padhate the. अब वो रिलेवेंट नहीं है तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है. कितने चैप्टर हो गए हैं? अभी एक ही चैप्टर हुए हैं देवांशी जी. डाइजेशन, रिडक्शन इन पीएच विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. अगर आपके शरीर का पीएच या ब्लड का पीएच कम हो जाए तो ब्लड की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन को कैप्चर कर पाए. समझ गए? Bulk of CO2 release from the body tissue into the blood is present at carbonate in the blood plasma and RBC. Bulk of CO2 release from the body tissue into the blood is present in bicarbonate in the blood plasma and the RBCs. तो ये रेस्पिरेशन का आखिरी लेक्चर है और आज हम इस रेस्पिरेशन को ख़त्म करेंगे एक बहुत ही खूबसूरती के साथ, जहाँ पे हम सीखेंगे कि हम रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं हमारा बिना कॉन्शियस माइंड को देखे हुए जाने हुए. हम लगातार सांस लेते रहते हैं, चाहे हम सोए रहें चाहे हम जगे रहें, तो आखिर ये कैसे रेगुलेट होता है? दैट्स अ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. एंड आफ्टर दैट वी मूव ऑन द सम डिजीज like asthma, emphysema, occupational respiratory disease, and apart from this three diseases, बहुत सारे respiratory diseases होते हैं हमारे अंदर, जैसे खासकर हमारे इंडिया में COPD is a quite common, जिसके अंदर दो तीन बीमारी होती हैं और मतलब कि उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे. So यहाँ पे देखिए जरा regulation of respiration. So regulation of respiration is done by the neural system. हमारा brain उसको regulate करने में मदद करता है, ब्रेन उसे रेगुलेट करने में मदद करता है, राइट? एंड दे आर स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन. तो बहुत बार नीट में यही क्वेश्चन आया है कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज रिलेटेड बाय एंड दिस इज डन बाय द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है एंड दिस इज अ रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिदम? रिदम इज व्हाट? कि हम रिदमिक चीजों में लगे रहें, मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है वो रिदमिक हो, मतलब ये रिदम मेंटेन रखे, या सुबह हो शाम हो दोपहर हो रात हो दिन हो, ये रिदम कभी टूटना नहीं चाहिए, राइट? ये कभी रिदम टूटना नहीं चाहिए, राइट? सो अनदर सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर. आपको पता होना चाहिए कि जो हाइंड ब्रेन है तो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, राइट? हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम. दिस इज द थ्री पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम. सो मेडुला इज मेंटेन द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम को मेंटेन करता है. अपार्ट फ्रॉम मेडुला देयर इज अनदर सेंटर व्हिच इज द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर. कैसे याद रखेंगे? Pneumotaxic pons, P4P, है ना? Pneumotaxic center, they can moderate the function of respiratory rhythm center. ये moderate करेगा कि कब आपके respiration rate को बढ़ाना है कब घटाना है. जैसे आप दौड़ रहे हैं तो उस वक्त मसल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो यू शुड बी हाइपर वेंटिलेट, बहुत तेज से दौड़ना चाहिए. जब तक आप तेज तेज से दौड़ेंगे नहीं, आपके मसल में एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा. So this pneumotaxic center can moderate the medulla, right? Overall medulla regulate the rhythm center, but इसको simple शब्दों में समझें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी दिशा में जा रही है. फिर मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि नहीं बेटा एकदम अपने जान फूको, जान लगाओगे तभी आप इस नीट जैसे बड़े एग्जाम में क्रैक करोगे. तो एक पुश है,
ताकि आपके रिदम को थोड़ा और एक्सेलरेशन मिल रहा है, आप जिस रिदम में पढ़ाई करें, जिस रफ्तार में पढ़ाई करें, और थोड़ा सा एक पुश मिला और जिससे आप अपने रिदम को और थोड़ा सा आपने बढ़ा लिया, है ना। तो ऐसे ही करता है पोन्स, क्या करता है कि इस मेडुला को पुश करता है ताकि रिदम और अच्छे से रिफाइन हो जाए। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय द आफ्टर द रेस्पिरेशन रेट। तो ये हमारे ब्रेन से ही रेगुलेट होता है कि आपको ज्यादा सांस लेना है, कम सांस लेना है, कैसे सांस लेना है। फटाफट बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए। राहुल, अंशिका, धीरज, मोहम्मद जावीर, ईशा चौधरी, कैसे हो या फाइन, चंदा यादव, अभिषेक, अंशु, मोहम्मद जावीर, यस, तेजस्वी, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि हम एक इंडिया में तहलका मचा सकें, एक बेहतर चीजों को लेके आ सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, रोज आप बताते हैं अपने दोस्तों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही करिए, डॉक्टर बनिए। तो कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड NH प्लस आयन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो आपका रिदम सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। तो इफ देयर इज अ इंक्रीज द CO2 कंसंट्रेशन और H प्लस आयन कंसंट्रेशन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विल बी एक्टिवेटेड। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इंक्रीज दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच टर्न कैन सिग्नल ऑफ द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाई विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। तो अगर आपके शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ती है, तो बॉडी को लगता है कि इसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है तो क्या करेंगे आप, सांस लेंगे, तभी तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड हाइपरवेंटिलेशन, दैट्स कॉल्ड हाइपरवेंटिलेशन, राइट, दैट्स कॉल्ड हाइपरवेंटिलेशन। अच्छा, ये रिसेप्टर कहां होते हैं, तो आपने देखा होगा ये हार्ट है हमारा, है ना, ये हार्ट है, तो इसके लेफ्ट वेंटिकल से एक बहुत बड़ी आर्टरी जाती है, और इस आर्टरी का नाम है आर्च ऑफ जिष्णु, ये देखना यार कितना फोन है, इसे कहते हैं हम आर्च ऑफ आयोटा, है ना, इसे कहते हैं हम आर्च ऑफ आयोटा इसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द आयोटिक आर्च कैन बी कैरिटिड आर्टरी, कैरिटिड आर्टरी विच इज आर्टरी विच इज प्रेजेंट इन द हार्ट, दैट इज अ कैरिटिड आर्टरी। इन सब के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये फटाक से भांप लेंगे कि आपके शरीर में कुछ चेंजेस है या नहीं है, है ना, कुछ बदलाव है या नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे शरीर का ब्लड इसी से जाता है, है ना, मैक्सिमम इसी से जाता है, तो ये जल्दी से भांप लेगा कि क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, राइट। सो रिसेप्टर एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्च एंड कैरिटेड आर्टरी कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द चेंज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रोटोन कंसेंट्रेशन एंड सेंड अ सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन। तो जैसे आपके इस ब्लड के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम हमारा ब्लड यहीं से जाता है, तो अगर इस ब्लड के अंदर से कुछ बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए, इस ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, है ना, एच प्लस आयन की मात्रा ज्यादा हो, तो क्या होगा कि ये तुरंत हमें एक्टिवेट कर देगा, बता देगा कि क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, और ये रेस्पिरेटरी सेंटर के पास चला जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट्स रेगुलेट, द रिसेप्टर एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्च एंड कैरिटिड आर्टरी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द चेंज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच प्लस कंसेंट्रेशन एंड सेंड अ नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर एक्शन, एंड रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ऑक्सीजन का रोल रेगुलेशन में जरूरत है क्या, तो आप बोलेंगे कि नहीं, किसका रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी सिग्नल्स शेयर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंडर नेसेसरी सिग्नल्स टू द दिस चेंज, इस चेंज के लिए नेसेसरी सिग्नल वो शेयर करता है, ये वाला शेयर नहीं करता है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिसऑर्डर्स, आई होप कि रेगुलेशन आपने समझा है या यस, कमेंट करके आंसर बताइए।
रेगुलेशन आपको समझ में आया है। मैं नक्शल में बताऊं तो रेगुलेशन हमारा जो भी हम सांस लेते हैं वो ब्रेन करता है। ब्रेन का हाइंड ब्रेन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इस हाइंड ब्रेन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेबेलम एज सच हमारे इसके लिए ज्यादा जरूरत नहीं होता है, क्योंकि सेरेबेलम इज फॉर द कोऑर्डिनेशन, जो हम चलते हैं तो उसे कोऑर्डिनेट करने में मदद करेगा। बट हाइंड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, मेडुला और पोन्स, इनमें बहुत बड़ा रोल रहता है। मेडुला को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहा जाता है। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमेशा दिन रात दोपहर शाम, तो ये मेडुला करता है। और इस मेडुला को सुपरवाइज करता है पोन्स, पोन्स उसको रेगुलेट करता है। हमारे शरीर में अगर कुछ बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए, तो ये दो मेडुला और पोन्स प्रभावित हो सकते हैं। हमारे शरीर में ये बदलाव कैसे आते हैं? अगर मान लीजिए कि आप बंद कमरे में काफी दिन तक हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, हवा का आवागमन नहीं है, तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी आपके शरीर में तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सुनिए अच्छे से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। अब ब्लड को कैसे बताना है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, मेडुला को, पोन्स को, कि भाई ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, कौन बताएगा? तो ये ब्लड, मैक्सिमम ब्लड हार्ट से होकर गुजरता है, और हार्ट के पास आयोटा होता है, आर्च ऑफ आयोटा, जो मैक्सिमम ब्लड वहीं से जाता है। तो वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर बता देते हैं कि इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो ये रिसेप्टर सिग्नल सेंड करेगा हमारे पोन्स को और मेडुला को कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस ब्लड में ज्यादा है ना। और उसके अनुसार हमारा जो ब्रेन है आपके रेस्पिरेशन के रेट को निर्धारित करेगा कि आपको हाइपर वेंटिलेट करना, मतलब ज्यादा गति से सांस लेना है या धीमे गति से सांस लेना है। आप ले भी सकते हैं ज्यादा गति से सांस, सेम गति के साथ, बट आपका दिमाग कॉन्शियस उस पर रहना चाहिए, तब ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अब मुझे ज्यादा तेज सांस लेना है, धीमे लेना है, ले सकता हूं, बट क्योंकि मैंने अपना दिमाग अपने सांस पर लगाया है, ठीक है, उस समय मेरा पूरा दिमाग सांस के ऊपर है। अगर मैं पढ़ रहा हूं, खेल रहा हूं या कहीं मीटिंग में हूं, तो ऑब्वियस है कि मेरा दिमाग उस मीटिंग पे है, पढ़ने में है, कुछ चीजों पे है, तो उस वक्त मेडुला और पोन्स निर्धारित करते हैं, राइट। उस वक्त मेडुला, अब आप सो रहे हैं तो उस वक्त पोन्स एंड मेडुला निर्धारित करेंगे, हमेशा यही करते हैं, बट आप अगर कुछ समय के लिए अगर अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करते हैं तब वो वैसा कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज इजी वन है। और अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो इससे रेगुलेशन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो उससे आपके इस चेंजेस नहीं आएंगे, बट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की मात्रा अगर बढ़ती है तो उसमें बदलाव आ सकते हैं। अब हम बीमारी के बारे में बात करते हैं, एंड दिस बीमारी इज कॉल्ड अस्थमा। ये अस्थमा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों में हो, ये जवान लोगों में भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखा है कि छोटे बच्चों में, जो अर्बन एरिया में है, दिल्ली मुंबई बड़े शहर में जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, अस्थमा के शिकार हैं। अस्थमा में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे दो अच्छे डायग्राम दिए हैं। दिस इज अ नॉर्मल, जैसे कि ये पूरा हमारा ब्रोंकियोज है और ट्रैकिया है, देख पा रहे हैं, ब्रोंकियोज ट्रैकिया, इधर से ट्रैकिया आएगा, मान लीजिए ब्रोंकियोज वगैरह है, तो कितना पेटेंट है, कितना खुला हुआ है, जबकि दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये देखिए कितना भरा हुआ है, इसमें म्यूकस तरह की चीजें भर गई हैं। तो इसकी जो इसके अंदर जो ल्यूमेन है, खाली जगह है, वो बिल्कुल क्या हो गया है, नैरो हो गया, छोटा हो गया, द ल्यूमेन बिकम वेरी नैरो। तो ल्यूमेन बहुत क्या हो जाएगा, नैरो हो गया। यहां पे देखिए ल्यूमेन कितना है, बहुत बड़ा है, तो ल्यूमेन इज वेरी हाई एंड द ल्यूमेन इज नैरो। यहां पे ल्यूमेन हमारा क्या है, नैरो है। सो अस्थमा में एक चीज हमें पता चल रहा है कि जो हमारे ब्रोंकियाई होते हैं, ब्रोंकियोज होते हैं, दे आर गेट फिल्ड विद द म्यूकस, प्लैग, तरह तरह के सब्सटेंस। जैसे अब मान लीजिए कि कोई एरिया है, कोई पाइप है, मान लीजिए पाइप है और आप सिंचाई कर रहे हैं, और इस पाइप में कोई पत्थर फंस जाए तो क्या पानी जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। सेम यही है कि इसमें अगर बहुत सारे म्यूकस वगैरह प्लग फंस जाए तो सांस ना तो आ पाएगा ना सांस जा पाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड अस्थमा, दैट्स कॉल्ड अस्थमिक पेशेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस म्यूकस और ये जो भी इकट्ठा है उसको साफ कर सकते हैं। तो बहुत सारे म्यूकोलिटिक ड्रग्स आते हैं, दवाई आती हैं जो ये म्यूकस इकट्ठा है उसको क्लियर करेगा, है ना, क्लियर करेगा। सो इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग द वीज साउंड। वीज साउंड इज व्हाट, मैं आपको वीज साउंड तो सुना तो नहीं सकता हूं,
बट तरीका बता सकता हूं कि वीज को कैसे सुनते हैं। और जब आप इंटर्न बनेंगे और खासकर एमएमसी का इंटर्न बनेंगे तो उसमें वीज साउंड आपको आना ही चाहिए। जब भी हम रेस्पिरेटरी साउंड सुनते हैं तो तरीका मैं बताता हूं, स्टेथोस्कोप को पीछे की साइड ऐसे पीछे की साइड लगाते हैं ऊपरी हिस्सा में। जैसे मैं अगर किसी पेशेंट को लगाऊंगा तो यहां पर लगाऊंगा और सुनना शुरू करूंगा। पेशेंट का मुंह अपोजिट होना चाहिए और मुंह से सांस लेना चाहिए ऐसे, ठीक है। जब आप इस पेशेंट को ऐसे सुनेंगे तो वी साउंड मतलब एक प्रैक्टिस से आएगा, घर घर की आवाज आएगी, है ना, घर घर की आवाज आएगी और इस आवाज से दैट्स द वीजिंग साउंड। तो वीज से हमें पता चल गया है कि कुछ लंग्स में कंजेशन है। वीज इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइन, नॉट ऑलवेज डिटरमाइन अस्थमा, राइट, नॉट ऑलवेज डिटरमाइन अस्थमा। It might be some congestion, might be some bacterial infections, बहुत सारे चीज है, but yes, it is a sign के something wrong inside your lungs. So inflammation of bronchioles, the bronchioles will be inflamed. So there are a lot of drugs, ठीक है, salbutamol, salmeterol, यहाँ दवाई को बताना सही नहीं है because relevancy is very important. क्या relevant content है उसे जानना बहुत important है rather than नो अवर्ड हाउ टू ट्रीट द अस्थमा, है ना। हम लोग अस्थमा को ट्रीट करते हैं, हम लोग मैं इमरजेंसी में रहता हूँ तो अस्थमा में बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो देर आर लॉट ऑफ ड्रग्स, साल्मेट्रोल, साल्बिटामोल, बहुत सारे चीजें, स्थालिन वगैरह वो दे देते हैं, बट वो सब चीज आपके लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है। लुक ओवर हियर, दिस इज एम्फाइसीमा, दिस इज ब्यूटिफुल डायग्राम। एम्फाइसीमा में क्या होता है, बेसिकली देर इज अ सिगरेट स्मोकिंग और स्मोकिंग की वजह से जो एल्वुलर एरिया होता है, एल्वुलर एरिया धीरे 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 भरने लग जाता है, है ना, धीरे धीरे भरने लगता है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एम्फाइसीमा में प्रॉब्लम यही होता है कि मान लीजिए एल्वुलर एरिया है तो एल्वुलर एरिया बहुत छोटा नैरो हो जाएगा। सो एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। व्हाट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, यस कमेंट करिए, व्हाट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। एक होता है एक्यूट डिसऑर्डर, एक होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर। एक्यूट का मतलब तुरंत, क्रॉनिक में 5 साल लग गए, 7 साल लग गए, है ना। सो द डिसऑर्डर इन विच द एल्वुलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू द विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया। एंड वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग, स्मोकर में सबसे ज्यादा ये रिपोर्टेड है, स्मोकर में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है। Now we have a last disease that is called occupational respiratory disease. Occupational respiratory disease का मतलब क्या होता है? Occupational respiratory disease का मतलब जहां पे हम काम करते हैं वहां से infection ले लिया। अब जैसे जो लोग stone grinding में काम करते हैं, जो लोग जहां पे काफी ज्यादा dust produce होता है वहां पे ये बीमारी होती है। और हर community का अलग अलग बीमारी होता है, जैसे ये तो वहां काम करते हैं तो इनको बीमारी होती है, हमें भी बीमारी होती है जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं काम करने, बिकॉज हॉस्पिटल इज दैट एरिया जहां इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है एंड दैट्स कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज। और उसमें निमोनिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, निमोनिया, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, ये सारा चीज। सो ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिजीज, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां से बीमारी को ले लिया। सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन द ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, फाइन डस्ट प्रोड्यूस, बहुत फाइन फाइन डस्ट प्रोड्यूस होते हैं और इतने फाइन होते हैं कि हमारे ट्राकिया के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को ट्रैप करने का मैकेनिज्म है, वो फेल हो जाता है। ट्राकिया को पता ही नहीं चल पाता है कि इतने फाइन पार्टिकल्स हो, धीरे 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 हमारे लंग्स में डिपोजिट होने लगते हैं। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट डिफेंस द मैकेनिज्म ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैनॉट फुली कॉप अप विद द सिचुएशन, और इस सिचुएशन से कॉप अप नहीं कर पाते हैं। सो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब लंग का कोई एरिया सही से काम ना करे, दैट्स अ फाइब्रोसिस। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग द सीरियस लंग्स डैमेज एंड दे लीड टू द कैंसर ऑफ द लंग्स, राइट। मेल में सबसे ज्यादा कैंसर यही है, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ये सारे 2-3 ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि मेल में देखा जाता है दे आर अ स्मोकर देन द फीमेल। आजकल तो फीमेल भी स्मोकर है बट मेल ज्यादा है। वर्क सच इंडस्ट्री शुड बी वियर अ प्रोटेक्टिव मास्क वगैरह लगा कर रखना चाहिए ताकि डस्ट ज्यादा ना जाए। सो या थैंक यू सो मच। या ये देखिए जरा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज द कार मैन्युफैक्चरिंग, बैकिंग, एनिमल वर्क, कारपेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स,
metal work, farming, healthcare and cleaning, right? So this is all about the chapters. But enhance your marks. The worker in grinding and stone breaking industry may suffer from the lungs fibrosis. When the people living in the plain area move on the higher altitude, they have increased the RBC production. In last class mein humne charcha kiya tha, hai na? Or increased breathing rate, and their hemoglobin will be shoot out, and that's called erythropoiesis. That's called erythropoiesis, and that's finish of this chapter.